राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में चल उठे भाईचारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राज साकार हो, राम राज साकार हो।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई चार पदारथ श्रुति को किल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओ
ज्ञातिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुसख्यमुपसेदिमा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेख च तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतघृष्ण्या ध्रुवं तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिन्धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजग्राः बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय राज राजेश्वरी माँ अम्बे भवानी की जय सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय साचे दरबार की जय देवियों और सज्जनों परम पूजनीय गुरुदेव सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की इस द्वितीय अस्थायिका में हम उपस्थित समस्त भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी देवी भागवत भास्कर साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का भी आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गत दिवस आदरणीय कथाव्यास जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अर्ध नारेश्वर जैसे गूढ़ कॉन्सेप्ट्स की वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता को बड़े ही सरल शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे हम सब ने सुना और आत्मसात भी किया। साथ ही उन्होंने इस मानव तन की महिमा के विषय में बताते हुए एक बड़े ही अद्भुत सूत्र को उजागर किया था। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने किसी जीव को उड़ने की शक्ति दी है, तो किसी जीव को गहरे समंदर में तैरने की और किसी को तेज दौड़ने की, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को जो उसकी क्राउन क्रिएशन है उसे एक ऐसी अद्भुत चिंतन शक्ति दी है जिसके बूते पर आज उसने आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लिया है और समंदर की गहराइयों को भी नाप लिया है, और आज उसकी गति इतनी तेज है कि पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने, यहां तक कि अंतरिक्ष से भी आज वो संपर्क स्थापित कर सकता है। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज इस चिंतन शक्ति के बूते पर मानव ने लगभग बाहरी हर क्षेत्र में खूब तरक्की कर ली है। इकोनॉमिस्ट इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आज HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज स्काईरॉकेटिंग, लेकिन वही स्टडीज रिवील करती हैं और बड़े दुख की बात है कि जहां HDI तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है इसका ग्राफ, वही HPI यानी हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स का ग्राफ
तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। दूसरों को दिखाने के लिए नकली हंसी चिपका ली है हमने अपने मुख पर, लेकिन मन गहन उदासी में डूबा हुआ है। घर हर तरह के लेटेस्ट गैजेट्स और लग्जरीज से भरा है, लेकिन घट खालीपन सूनापन है इसमें। स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर तेजी से हमारे समाज को अपनी चपेट में ले रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के ऐसे वायरसेस हमारे रिश्तों पर अटैक कर चुके हैं, जिससे इनकी गांठें इतनी ढीली पड़ गई हैं कि परिस्थिति के हल्के से झोंके इन्हें बिखेर देते हैं, इन्हें तोड़ देते हैं। आज सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वर्चुअल रिश्ते बनाने की होड़ में हमारे असल रिश्ते कहीं पीछे छूट गए हैं। दिस इज द आयरनी ऑफ सिचुएशन। वी हैव ऑल द टाइम फॉर आवर टच स्क्रीन फोन्स, बट वी हैव एब्सोल्युटली नो टाइम टू टच समवन्स लाइफ विद सेल्फलेस लव एंड केयर। जब एक समाज सेवी ने समाज की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर वो व्यथित हुए, तो उन्होंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, आज जो ये समाज की स्थिति है, जो उसका पतन हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तब महाराज श्री ने उत्तर दिया था, महाराज श्री ने कहा था कि इसका जिम्मेदार समाज स्वयं है। जिस दिन से समाज ने आत्मा परमात्मा यानी आध्यात्म को समाज से निकालकर बाहर कर दिया है, उस दिन से उसका पतन हो रहा है। ईश्वर द्वारा दी गई उस अद्भुत चिंतन शक्ति को बाहरी संपन्नता के साथ साथ आंतरिक उत्थान के लिए भी इन्वेस्ट करना था, वो बैलेंस मेंटेन करना था। वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो सका, इसीलिए मनुष्यता विकल है, इसीलिए पतन हो रहा है। सर आइज़क न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, पिछली सदी के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। सृष्टि के रहस्यों को जानने की उनमें तीव्र जिज्ञासा थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। ही गॉट क्यूरियस। उनके भीतर चिंतन आरंभ हुआ, गहन चिंतन आरंभ हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज कर ली। बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इसके साथ साथ यदि उसके भीतर ये चिंतन भी उठता कि वो कौन सी शक्ति है जिसने उस सेब को उस पेड़ के साथ जोड़ रखा है, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ उस सुप्रीम लॉ, उस सर्वोत्तम रहस्य को भी खोज लेता जो मानव को आनंद के शिखरों पर ले जाता है, जो उसके जीवन के हर कला कलेश, हर दुख को खत्म कर सकता है, उसका कल्याण कर सकता है। सज्जनों, ऐसा चिंतन आधुनिक वैज्ञानिकों ने तो नहीं किया, लेकिन हाँ, हमारे वैदिक वैज्ञानिक, हमारे ऋषि, उनका चिंतन ऐसा था। उन्होंने खोज की आध्यात्म के क्षेत्र में और उस ईश्वर के साथ कनेक्ट हो गए, उसका साक्षात्कार कर उनसे कनेक्ट हो गए। कहां? इस ध्येय के भीतर, इस स्थान पर जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां संत सन्यासी पंडित जन तिलक लगाते हैं, इस बिंदु पर जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। इसका प्रमाण हमें मिलता है योगशिका उपनिषद में, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहा नाम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धि दाम सर्वदेही नाम। शिव और शक्ति जो बिंदु और अनहदनाद का प्रतीक है, वो इस देह रूपी शिवालय में निवास करते हैं। शिव षडक्षर स्त्रोतम में आता है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदंग मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार शक्ति को नमन है। ओंकार शक्ति का अर्थ क्या हुआ? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं, ओम अ उ और मा के जोड़ से बना है, जिसका अर्थ होता है ओमनिशियंट, ओमनिप्रेजेंट एंड ओमनिपोटेंट, यानी सर्व अंतर्यामी, सर्वभूत और सर्वशक्तिमान। ये तीनों गुण किसमें होते हैं? उस परम शक्ति में। इसीलिए उसे ओम कहकर संबोधित किया गया है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, यानी वो परम शक्ति इस बिंदु, इस स्थान पर निवास करती है। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः,
जब एक योगी नित्य इसका ध्यान करते हैं कामदंग मोक्षदम चेव, तो कोई भी कार्य कोई भी उपलब्धि मोक्ष उनके लिए असंभव नहीं रह जाता. दे कैन मेंटेन दैट बैलेंस इन देयर लाइफ, दे गेट एम्पावर्ड टू मेंटेन दैट बैलेंस इन देयर लाइफ. और फिर वो बाहरी के साथ साथ आंतरिक स्तर पर भी प्रगति करते हैं. और जब एक मानव आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर प्रगतिशील होता है तो निस्संदेह उसके जीवन में शांति और आनंद का प्रादुर्भाव होता है और समाज को एक सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है. लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए, कौन सी टेक्निक है वो, और कौन किसके अंदर सामर्थ्य है कि वो हमें इस बिंदु पर स्थित कर सके. इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज आदरणीय कथाव्यास जिसे के मुखारविंद श्रवण करेंगे. आइए अब आप सभी की ओर से उनसे आग्रह करते हैं कि वो आज के कथा प्रसंग को हमारे समक्ष रखें. एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे. बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की. पालन काल में आप स्थिति रूपा हैं और कल्पांत में आप ही संहार रूप धारण कर प्रकट होती हैं. आप ही महाविद्या हैं, आप ही महामाया हैं, आप ही महामेधा हैं और आप ही महास्मृति हैं. आप ही संपूर्ण सृष्टि में बुद्धि रूप बनकर स्थित हैं और आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आकार देती हैं. हे माँ, आप जो कण कण वासिनी हैं, आप जो अपनी माया का विस्तार कर इस समूचे ब्रह्मांड को प्रकट करती हैं, हे महामाया, हम आपकी संतानें आपके श्री चरणों में आपके आश्रय को प्राप्त करने आई हैं. जो आपका आश्रय ले लेता है आप उसे इस माया जाल से मुक्त कर अपने श्रेष्ठ पद पर ले जाती हैं. हे माँ, हमारा भी श्रेष्ठ मार्गदर्शन करें, हमारे इस जीवन को भी सुपथ की ओर अग्रसर करें. आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं.
शरी परापराणा परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् कथञ्चित्तु सदसदाखिलात्मिके मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमन है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और इस घट के भीतर ही उस अखंड ब्रह्मांड का दर्शन करवाया हमारे जीवन को ज्ञान से आलोकित किया ऐसे परम गुरुदेव के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की साचे दरबार की उपस्थित माँ के प्रिय भक्तों दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित इस श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की इस द्वितीय अस्थायिका में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती हूँ भक्तों माँ की कृपा निरंतर बरस रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम माँ के श्री चरणों में बैठे हैं हमारा एक और बहुत महान सौभाग्य है कि हमने इस पावन भारत भूमि पर जन्म लिया क्योंकि शक्ति का आराधन उसका केंद्र रही ये भारत भूमि ऋषि मनीषियों ने आदिकाल से जगत जननी की पूजा उनकी आराधना यहाँ पर की और जब जब ऋषि मनीषियों ने उनकी आराधना की उनको जाना उनके रूप का स्मरण किया तो जनमानस के समक्ष उनके कौन से रूप को रखा उनके कौन से रूप की महिमा का गान कर दिया उन्होंने गाया उनके शौर्य स्वरूप की महिमा को उन्होंने रखा उनके जग जननी शौर्य स्वरूपा उस रूप को मानव जाति के समक्ष विविध विविध अलंकारों स्रोत्रों में बांधकर ग्रंथों के माध्यम से रख दिया बस तो गौर करने की बात है कि अमन चैन और शांति का प्रतिपादन करने वाली ये भारतीय संस्कृति और इसके ऋषि मनीषी जिनकी चाह हमेशा उस अमन चैन और शांति की रही उन्होंने जब जगत जननी का स्वरूप रखा तो वह जो जगत की माता है करुणा से परिपूर्ण है उसके नेत्रों से करुणा झलकाई लेकिन उसके हाथों में आयुधों का वर्णन किया उनके शौर्य स्वरूप की महिमा गाई रणचंडिका के रूप में उन्हें उनके लीला चरित्रों को हमारे समक्ष रखा क्या कारण था क्यों उन्होंने ऐसा किया क्या इंगित करना चाह रहे हैं भक्तों हम भी तो जब नेत्र बंद करके माँ का स्मरण करते हैं तो हमारे मानस पटल पर माँ का वही विविध विविध आयुधों को धारण किया हुआ वह शौर्य रूप प्रकट होता है उसे ही हम देखते हैं उसे ही हम इमेजिन करते हैं इसका कारण क्या है एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के पास इसी से मिलता जुलता प्रश्न लेकर एक जिज्ञासु पहुंचे उन्होंने महाराज जी के समक्ष एक बात रखी उन्होंने कहा महाराज श्री भगवान महावीर जो हैं
वह अहिंसा की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन जब उनकी वाणी पढ़ी जाती है, जब उनकी वाणियों को हमने पढ़ा, तो उसमें युद्ध के स्वर झनकृत होते हैं। उन्होंने स्थान स्थान पर मानव जाति का आह्वान किया कि युद्ध के क्षेत्र की ओर बढ़ो, उठो और युद्ध करो। ये बात बड़ी विरोधास्पद लगती है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो क्या समझाना चाहते हैं? जो अहिंसा के प्रवर्तक रहे वह या युद्ध के गीत क्यों गा रहे हैं? तब महाराज श्री मुस्कुराए और महाराज श्री ने इस प्रश्न का उत्तर रखा। महाराज श्री ने कहा, दो प्रकार के जगत होते हैं, एक जगत जो बाहरी जगत है और एक जगत अंतर जगत है। हमने बाहरी जगत को ही देखा है, हम बाहरी जगत में ही रमण करते हैं, विचरण करते हैं। और जब इस बाहरी जगत में रमण और विचरण करते हैं, तो इस बाहरी जगत के युद्ध हमने देखे हैं, बहुत भयावह होते हैं, बहुत विध्वंसकारी होते हैं, हृदय के भीतर भय का संचार करते हैं। इसलिए जब हमारे महापुरुषों ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया, तो हमें उन बाहरी युद्धों का स्मरण हो आया। परंतु भक्तों, महाराज श्री ने समझाया कि यूं तो भारतीय संस्कृति में युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में देखा गया है। भारत की भूमि पर भी धर्म युद्ध हुए, लेकिन वो अंतिम विकल्प था। जब कोई और विकल्प शेष नहीं रहा, तब धर्म युद्ध की रीति को अपनाया गया। परंतु भारतीय संस्कृति ने कभी भी युद्ध का प्रतिपादन नहीं किया। जिस युद्ध की बात भगवान महावीर कर रहे हैं, महाराज श्री ने कहा, वो युद्ध बाहरी नहीं, वो युद्ध अंतर जगत का है, आंतरिक है। उस युद्ध की रणभूमि बाहरी नहीं, उस युद्ध की रणभूमि मानव का मन है। वो युद्ध बाहर के शत्रुओं के साथ, बाहर के लोगों के साथ नहीं होता, वो युद्ध होता है अंतर में, अपने ही विकारों के साथ। उस युद्ध में तेज धारदार तलवारें, बम के गोले, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उस युद्ध में शस्त्र होता है मानव का दृढ़ संकल्प, उसकी जागृति और उसकी एक निष्ठता। महाराज श्री ने कहा, इस युद्ध का आह्वान भगवान महावीर ने किया और उन्होंने कहा, आत्मा युद्धस्व, उठो और अपनी आत्मा अपने अंतर्घट में उतरकर अपने लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने आप से, अपने विकारों से युद्ध करो। माँ भगवती भी जिस शौर्य रूप को धारण करके आई है और अपनी लीलाओं से जो हमें समझाना चाहती है, वह भी अपने इस शौर्य स्वरूप से समस्त मानव जाति का, अपनी मानवीय संतानों का आह्वान कर रही है। उठो मेरी संतानों, उठो और अपने आप से, अपने विकारों से युद्ध करो। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। और जो स्वयं को नहीं जीत पाया और उसने भले ही सारे विश्व को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत कर भी वो हार गया। उसने सब कुछ जीत कर भी सब कुछ गवा दिया, क्योंकि उसने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की। इसलिए भक्तों, जानते हैं, जब वेद व्यास जी ने इस गाथा की महिमा को गाया, तो उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यह विजय गाथा है, क्योंकि ये मानव को उसके अंतर के रण में, उसके जीवन के रण में विजय प्रदान करने आई है, उसे विजय योद्धा बनाने आई है। और उसे विजय योद्धा बनाकर उसकी समस्त शक्ति को प्रकट कर उसकी दिव्यता में उसे स्थापित करने आई है। और इसलिए उन्होंने इसे विजय गाथा कह दिया। भक्तों, इस विजय गाथा को सुनने का अवसर हमारे जीवन में आया है। माँ के सानिध्य में बैठे हैं, माँ के स्वरूपों की महिमा श्रवण कर रहे हैं और माँ के विविध लीला चरित्रों को श्रवण करेंगे। हम भी अपने जीवन युद्ध के, जीवन रण के महायोद्धा कैसे बन सकते हैं, उन सारी बातों को, उन सारे सूत्रों को संजोने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
क्योंकि देवी, जानते हैं इस संबोधन का अर्थ क्या है? संस्कृत के दिव धातु से निकला है ये शब्द, और संस्कृत के दिव धातु का अर्थ है आलोक, ज्योति, प्रकाश, जो हमारे जीवन को आलोकित, प्रकाशित और ज्योतियों से संपन्न करने आई है, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेने आई है, वह है महादेवी। वह महादेवी हमारे भीतर की कलुष कालिमा से हमें मुक्त करवाने के लिए इस जीवन रण में हमारे साथ खड़ी है, परंतु कदम हमें बढ़ाना होगा। और हम बढ़ेंगे उस जीवन रण की ओर इस गाथा के साथ साथ जानेंगे और समझेंगे उन सूत्रों को। इसलिए आइए भक्तों, उस जीवन की रण की गाथा को और विस्तार से समझने के लिए, उसे माँ की लीलाओं के माध्यम से जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस रण की विजयी योद्धा तो वही हैं, और उन्हीं के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं एक ऐसी प्रार्थना जो आप सब ने बचपन में गाई है। शायद जब बचपन में गाई थी तो इसके शब्दों पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज हम सब मिलके गाएंगे एक प्रार्थना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें बचपन में ही ये बात समझाई थी, दूसरों को जीतने के लिए बाहरी युद्धों को मत लड़ो, बाहरी युद्धों को लड़कर अपने जीवन का समय व्यर्थ मत करो, स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, महान बन जाओगे, दर्शनीय बन जाओगे, इस विश्व के लिए प्रेरणा बन जाओगे। तब तो शायद हमने सूत्र को छोड़ दिया, लेकिन आइए आज माँ की गोद में बैठे हैं, माँ के चरणों में ही ये प्रार्थना रखते हैं। आप सबको आती है ना ये प्रार्थना? सबको आती है ना? तो इस मंच से हम सब गाएंगे, और आप सब ने भी बिना कहे, बोलना ना पड़े, आप सब मिलके हमारे साथ इस प्रार्थना को गाएंगे, माँ के श्री चरणों में रखेंगे कि माँ हमें भी हमारे जीवन के रण का, हमारे इस अंतर जगत में जो विकारों का पसारा है, उनसे लड़ने के लिए हमें लड़ने के लिए उस रण का मार्ग दिखाओ, हमारे साथ आके खड़ी हो, और हमारे इस कालिमा से हमें मुक्त करो, हमें शक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो। आए प्रार्थना करते हैं। साफ कर सके
चले तो धर्म पर। मन की शक्ति देना, तुम शक्ति स्वरूपा हो, हमें भी उस शक्ति से स्पंदित करो। हम आपके मन के हाथों ही निरंतर हार रहे हैं, इस जीवन रण को लड़ना ही प्रारंभ नहीं किया है। तुम ही हम पर कृपा करो, हमारा मार्गदर्शन करो। भक्तों, जिस गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं वो हमें सशक्त करने आई है, और इसी गाथा को वेद व्यास जी के मुखारविंद श्रवण कर रहे हैं राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय जो एक व्यथित मन को लेकर पहुंचे थे वेद व्यास जी के श्री चरणों में, आज माँ की गाथाएं श्रवण करना प्रारंभ किया है और हृदय में जिज्ञासाएं उठ रही हैं। आज वो पूछते हैं, मैंने सुना है कि एक बार महादेवी ने प्रकट होकर मधु और कैटभ का वध किया था। हे महाभाग, आज आप मेरे समक्ष मधु कैटभ संहार की लीला को रखिए। यह सुनना था कि वेदव्यास जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अवश्य चलो मैं तुम्हें उस काल की गाथा सुनाता हूँ जब मधु और कैटभ का प्रकटीकरण हुआ था। वह कहते हैं, बात उस समय की थी जब चारों ओर जल ही जल था, नवीन सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, प्रलय जल दूर दूर तक विस्तृत था, और उस जल राशि में कमल के आसन पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी वह विराजमान वहाँ साधना की अवस्था में निमग्न थे, ध्यान कर रहे थे, और वहीं उस विस्तृत जल राशि में शेष नाग की शैया पर पीतांबरधारी भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, योग निद्रा में निमग्न थे। तभी वहां पर एकाएक एक घटना घटती है। भगवान विष्णु की कर्ण मैल से वहां पर दो भीम काय आकार के दैत्य प्रकट हो जाते हैं। वह दोनों दैत्य विशाल काय थे, काला वर्ण था, और आज जैसे ही उस जल राशि में प्रकट हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। मन में प्रश्न उठ रहा है, हम कहां से यहां प्रकट हो गए, हम कहां हैं और हम कौन हैं? एक दूसरे को स्पर्श करके देख रहे हैं, एक दूसरे के आकार को देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहां कैसे प्रकट हुए हैं। तभी एकाएक उन दोनों का ध्यान आकाश मंडल में विस्तृत होते उस शब्द की ओर जाता है। उस मंत्र को जब वो सुनते हैं तो आज उस मंत्र को ही रटना प्रारंभ कर देते हैं। उस मंत्र को रट रहे हैं और रटते ही चले जा रहे हैं। उस मंत्र को रटते रटते बहुत लंबा समय बीत गया। वह दोनों तपस्या रत हो गए। दीर्घ समय बीता और एक दिन उस जल राशि में उस आकाश मंडल पर एक स्वर प्रस्फुटित हुआ। अत्यंत मधुर स्वर था। उस स्वर ने कहा, मधु कैटभ,
नेत्र खोलो, नेत्र खोलो, मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मधु और कैटभ ने ये सुना, ये कौन है जो हमें पुकार रहा है? नेत्र खोलकर इधर उधर देखा, कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एकाएक सोचने लगे, आखिर ये किसका स्वर था? कौन है जो हमें वरदान देने का इच्छुक है? तभी देखते ही देखते वहां पर वह स्वर एक बार पुनः फूटा, एक बार पुनः उन्हें वो स्वर सुनाई दिया, और वही मधुर स्वर था। मधु, कैटभ, मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो? तुम इतने समय से मुझे पुकार रहे हो, आज मैं तुम्हें वरदान प्रदान करने आई हूँ, बताओ। जैसे ही यह सुना, उन दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए। वहाँ आज उनके समक्ष एक विशाल प्रकाश पुंज में से अपना संपूर्ण श्री विग्रह धारण कर आदिशक्ति जगत जननी प्रकट हो गई। आज उनके दिव्य स्वरूप को देखकर वह दोनों आश्चर्यचकित हो रहे हैं, श्रद्धा से उनके हाथ जुड़ गए। और अब माँ ने कहा, बताओ मधु और कैटभ, तुम मुझसे कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो? जैसे ही यह सुना तो आज मधु और कैटभ कहने लगे, हे देवी, यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो फिर आज आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए। आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जब हमारी इच्छा हो तभी कोई हमारा अंत कर सके, अन्यथा हम अमर ही रहें। माँ ने यह सुना, मुस्कुराने लगी और आज वरद हस्त उठाया और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। माँ वहाँ से अंतर्धान हो गई और अब क्योंकि उनकी आसुरी वृत्ति थी, उस वरदान को प्राप्त कर वो उन्मत्त हो गए। चारों दिशाओं में इधर उधर दौड़ने लगे। चारों दिशाओं में आज उस जलराशि में उन्होंने उत्पात मचा दिया। जल में रहने वाले जो जीव थे उनके साथ कभी क्रीड़ा करते, उन्हें सताते, उनका भक्षण करते, यूं वह जलराशि जो अब तक शांत थी वहाँ चारों ओर विध्वंस होने लगा, वहाँ चारों ओर उथल पुथल हो गई। यूं एक दिन मधु और कैटभ उसी जलराशि में भ्रमण करते हुए, बढ़ते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए एक स्थल पर पहुँचे। और जैसे ही उस स्थल पर पहुँचे, आज मधु ने अपने भ्राता कैटभ को कहा, भ्राता देखो, देखो उधर देखो, वहाँ पर वो एक विचित्र सा जीव बैठा है। कमल का आसन है और चार मुख है, आज तो इसी जीव का भक्षण करते हैं, ऐसा जीव तो हमने कभी नहीं देखा। आज वो दोनों बढ़ चले कहाँ? वहाँ बैठे थे ब्रह्मा जी, और आज ब्रह्मा जी की ओर बढ़ चले, चलते चले जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं, जोर जोर से अट्टहास कर रहे हैं। और आज जैसे ही उनका स्वर ब्रह्मा जी के कर्णों में पड़ा तो एकाएक उनका ध्यान भंग हुआ, और जैसे ही नेत्र खोलकर देखा तो उनके समक्ष दो भीमकाय दैत्य खड़े थे। ब्रह्मा जी तो आज विचलित हो गए, एकाएक सोचने लगे, ये दोनों कौन हैं? उन दोनों ने कहा, ए विचित्र प्राणी, आज हम तुम्हारा भक्षण करेंगे, तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा, मुझे इनके बल का बोध नहीं है, और यूं अगर मैं इनसे युद्धरत हुआ तो मेरी पराजय होगी। आज ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो जाते हैं और आज द्रुत गति से दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के समक्ष। शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के समक्ष जाकर आज ब्रह्मा जी उच्च स्वर में कहते हैं, जागिए, जागिए पिताम्बरधारी, जागिए, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, मेरे जीवन का रक्षण आपके हाथ में है। वो दोनों भीमकाय दैत्य ना जाने इस जल राशि में कहां से आ गए हैं, वो मेरा अंत कर देना चाहते हैं। जागिए प्रभु, जागिए, रक्षति प्रभु, रक्षति, मेरी रक्षा कीजिए। आज जब ऐसा स्वर छेड़ा, बार बार भगवान विष्णु को पुकार रहे हैं, परंतु भगवान विष्णु तो उठ ही नहीं रहे, उनके नेत्र तो खुल ही नहीं रहे, उनकी निद्रा तो भंग ही नहीं हो रही। आज एक बार पुनः प्रयास करते हैं, जागिए प्रभु, जागिए, आपका कार्य है इस सृष्टि का पालन करना, मेरी रक्षा आपका दायित्व है, जागिए प्रभु, जागिए, मेरी रक्षा कीजिए। परंतु आज भगवान विष्णु निश्चेष्ट हैं। उस समय ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं, मैं क्या करूं, कौन करेगा मेरे जीवन की रक्षा? एकाएक
उन्हें स्मरण हो आता है जिन्होंने इन्हें योग निद्रा में निमग्न किया है। वह आदि शक्ति जगत जननी जो हम सबकी माता है, जो इस समूचे ब्रह्मांड के निर्माण करता है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को आकार दिया है, मैं उन्हीं की शरणागत होता हूँ। और आज दोनों हाथ जोड़कर अब माँ के चरणों में गुहार करने लगे, कहने लगे, माँ तुम ही तो हो जो अपनी संतानों की हर वेदना को सुनती हो, तुमसे क्या मेरा ये कष्ट छुपा है? हे माँ, तुम क्यों नहीं आती आज मेरी रक्षा के लिए? तुम ही भगवान विष्णु के ऊपर से ये योग निद्रा का प्रभाव हटा सकती हो, तुम ही तो निद्रा रूपिणी हो। हे माँ, तुम्हारी कृति हूँ मैं, और यदि तुम चाहती हो मेरी रक्षा करना तो अवश्य ही तुम मेरी रक्षा करने के लिए कोई प्रबंध करोगी। हे माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो, भगवान विष्णु को जागृत करो, इन्हें इस निद्रा अवस्था से मुक्त करो माँ, मेरे जीवन की रक्षा तुम्हारे हाथ में है, मेरे जीवन की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। यूं बार बार आज माँ को पुकार रहे हैं। और भक्तों, वो जगत जननी वो अपनी संतानों की पुकार सदैव सुनती है, माँ है। संतान पुकारे और माँ ना सुने, क्या ऐसा कभी होता है? इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने माँ को पुकारा, उनकी शरण को ग्रहण किया, उनके चरणों में गुहार की, तो आज माँ ने अपनी लीला का विस्तार किया और आज भगवान विष्णु पर जो योग निद्रा का प्रभाव था उस प्रभाव को उन्होंने समेट लिया। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों को खोला और आज अपने समक्ष जब ब्रह्मा जी को देखा तो कहने लगे, ब्रह्मदेव आप कब से यहाँ खड़े हैं और आप इतने चिंतित क्यों हैं? यह सुनना था कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ पिताम्बरधारी, अगर आज माँ नहा होती तो आप जागते ही ना। आप जानते हैं इस जल राशि में कितना बड़ा संकट आ गया है, दो भीमकाय दैत्य ना जाने कहाँ से प्रकट हो गए हैं, और मैं तो अपने कमल के आसन पर बैठकर ध्यान कर रहा था, वो मुझसे युद्ध करने के लिए, मेरा अंत करने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे थे, उनसे जान बचाकर मैं किसी तरह आपके पास पहुंचा। अभी बस इतना ही कहा था कि वहां उस क्षेत्र में एक भीषण स्वर होता है, अरे वो चार मुख वाले तू हमसे बचता हुआ यहां आ गया है, इस चार भुजाओं वाले की शरण में आया है, अब तो और आनंद आएगा, अब हम तुम दोनों से युद्ध करेंगे, आज तो आनंद ही आनंद होगा। ये स्वर था मधु और कैटभ का। मधु और कैटभ पहुंच गए थे उस स्थल पर जहां पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु स्थित थे, और आज जैसे ही मधु और कैटभ के इस स्वर को भगवान विष्णु ने सुना तो कहने लगे, बस बस मधु और कैटभ, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अत्याचार, बहुत हो गई तुम्हारी जल क्रीड़ा, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध चाहते हो ना, मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें इस युद्ध में परास्त करूंगा, तुम्हारा अंत मेरे हाथों ही सुनिश्चित है। आज जैसे ही यह सुना तो वो दोनों दैत्य जोर जोर से हंसने लगते हैं, हमारा अंत इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, आज तो हम ही तुमसे युद्ध ठान कर आए हैं, बहुत आनंद आएगा, आज कितना समय बीत गया इन जलचरों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, आज तुमने हमारे पौरुष को ललकारा है और आज अब आनंद ही आनंद होगा। जैसे ही उनके मुख से ऐसा स्वर सुना भगवान विष्णु क्रोध में आ गए और आज भगवान विष्णु बढ़ चले उनके साथ युद्ध करने के लिए। यूं वहां पर बाहु युद्ध होना प्रारंभ हो गया, भुजाओं का प्रयोग कर दोनों ही दल अपना अपना शौर्य, अपना अपना पौरुष प्रदर्शित कर रहे थे, एक ओर भगवान विष्णु प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं और उधर मधु और कैटभ एक एक कर उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि मधु और कैटभ आज भगवान विष्णु को परास्त ही कर देंगे, परंतु तभी भगवान विष्णु अपने पूरे बल के साथ उन पर प्रहार करते हैं। यूं वो युद्ध चलता ही चला जा रहा है, भगवान विष्णु अपने पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब इतने लंबे काल तक वो युद्ध चलता रहा तो भगवान विष्णु सोचने लगे, आखिर इन दोनों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनका संरक्षण कर रही है,
पूर्व काल में मैंने इनके जैसे असंख्य दैत्यों का अंत किया है, परंतु आज वो कौन है? ऐसा क्या है इनके पास कि इनका बल क्षीण ही नहीं हो रहा, मैं इनका अंत ही नहीं कर पा रहा? जैसे ही उनके मन में ये प्रश्न उठा, आज उन्होंने एक युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने उस युद्ध को रोका और कहा, बस रोको इस युद्ध को, ये युद्ध की नीति नहीं। तुम दोनों दो हो और मैं अकेला, तुम दोनों मिलकर मुझसे युद्ध कर रहे हो और मैं अकेला यहाँ तुमसे युद्ध कर रहा हूँ, ये युद्ध की रीति नहीं। अब इस युद्ध को कुछ समय के लिए विराम दो, मुझे विश्राम चाहिए। आज जैसे ही मधु और कैटभ ने यह सुना, मुस्कुराने लगे और कहने लगे, विश्राम? ठीक है, जाओ जाओ विष्णु, जाओ, तुम्हें विश्राम का समय दिया। तुम नीति की बात करते हो ना, तो दिया तुम्हें विश्राम का समय, परंतु याद रखना तुम्हारा अंत हमारे हाथों ही होगा। विश्राम का समय लो और फिर शीघ्र अति शीघ्र लौटो यहाँ पर, एक बार पुनः हम युद्ध करेंगे और तब युद्ध अपनी पूर्ण निर्णायक स्थिति तक पहुँचेगा। भगवान विष्णु तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युक्ति ने कार्य किया, युद्ध में विराम हुआ, कुछ समय का विश्राम मिला और आज भगवान विष्णु वहाँ से बढ़ चले एक निर्जन स्थान की ओर। उस निर्जन स्थान पर जाकर आज भगवान विष्णु नेत्र मूंद कर ध्यान में निमग्न हो गए। हृदय में बहुत कोलाहल है, सोच रहे हैं, आज मुझसे ऐसा क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरा बल कहाँ गया? मेरा तो सारा सामर्थ्य ही क्षीण लगता है। इन दोनों दैत्यों का वध मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा? आज माँ के चरणों का आश्रय लेते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ के चरणों में ध्यान लगाते हैं और माँ के चरणों में गुहार करते हैं, हे माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो आओ और मुझे दंड दो, बताओ क्या कमी है? माँ मुझे बताओ, ये दोनों दैत्य कौन है? क्या इनका वध संभव नहीं? कैसे होगा इनका वध? भगवान विष्णु इसी चिंतन में हैं, माँ को बारंबार पुकार रहे हैं। और भक्तों, जहाँ भगवान विष्णु इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि वो दोनों दैत्य मधु और कैटभ कौन हैं, हमने भी इस गाथा को श्रवण किया है। आज पहली बार श्रवण नहीं कर रहे, पहले भी श्रवण किया है। खुद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए पहला चरित्र आता है, इसे गाया है। परंतु क्या आप जानते हैं मधु और कैटभ कौन है? वो कौन है जिन्होंने इतना उत्पात मचाया? वो कौन है जिनके कारण वह समस्त जल राशि, वो जल जो शांति का प्रतीक था, वहां पर अशांति विस्तृत हो गई? वो कौन है मधु और कैटभ? और हमारे शास्त्र ग्रंथों में ऐसी गाथाओं को दर्ज क्यों किया गया? क्यों हर बार जब नवरात्रे आते हैं तो हमारे ऋषि मनीषियों ने ये विधान बनाया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो और सबसे पहले मधु कैटभ वध की लीला को श्रवण किया जाए? कौन है ये मधु और कैटभ? ये मधु और कैटभ अशांति की जड़ हैं, मानव की अशांति की जड़ हैं ये दोनों। और हमारे जो अध्यात्म वेता, तत्व वेता महापुरुष हुए, वेद व्यास जी हुए, वो एक महान मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मानव के मनोविज्ञान और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को इस कहानी में संजो दिया। ऐसी कहानियों का समावेश इस ग्रंथ में किया जो मानव को उसकी कलुष कालिमा का पहले बोध करवाएंगी और फिर निवारण का सूत्र भी बताएंगी। भक्तों, ये मधु और कैटभ दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष जब हमने ये गाथा को रखा, इस गाथा को जब पहली बार पढ़ा तो समझ नहीं आई, तब महर्षि ने इस रहस्य को उजागर किया था जिसे हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। महर्षि ने कहा, बताया कि ये मधु और कैटभ कौन है। मधु, मधु कौन है? मधु अर्थात मीठा, जो मीठा है उसे कहते हैं मधु। और हम शहद को भी मीठा कहते हैं, शहद इतनी मीठी होती है कि एक बार उसकी एक बूंद चाटते हैं अच्छी लगती है, फिर मन करता है और चाट लें, फिर मन करता है और चाट लें। जानते हैं ये मधु कौन है? ये हमारी ही एक मनोवृत्ति है,
जिसे हमारे अध्यात्म विदों ने, जिसे योग सूत्रों में राग कहा गया, राग। राग अर्थात आसक्ति, ये राग है मधु जो इंसान के जीवन में है। और ये राग उत्पन्न कैसे होता है? ये राग उत्पन्न होता है, महर्षि पतंजलि बताते हैं इसको परिभाषित करते हुए, सुख अनुशयी राग। जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में जाते हैं और उनके संपर्क में आकर हमें सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, तब उस समय उस सुख को प्राप्त कर जो भावना शेष रहती है, जो उसका अंश बचता है, जो हमें बार बार उस दृश्य, उस व्यक्ति, उस स्थान का स्मरण कराता है, उसे कहा गया राग। और अब जब जब जीवन में अच्छा फील करने का, अच्छा महसूस करने का मन करता है, तो हम बार बार उसी वस्तु, उसी व्यक्ति, उसी स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। यूँ अपने जीवन को टटोलिए, आपके जीवन में एक लंबी लिस्ट होगी, मुझे यहाँ जाना अच्छा लगता है, मुझे इससे सुख की प्राप्ति हुई, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये देखना पसंद है। ऐसे असंख्य राग हैं मानव के भीतर। नेत्र कुछ वस्तुओं को देखते हैं, राग है उनके साथ, उनकी ओर दौड़ाते चले ले जाते हैं हमें। नेत्रों को कुछ देखना पसंद है, कानों को कोई स्वर संगीत सुनने पसंद है। यूँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए गीता में कहते हैं, इंद्रिय इंद्रिय स्थार्थो राग द्वेषो व्यवस्थिता। वह कहते हैं हर एक इंद्रिय में राग बसा है, और इस राग का जो जुड़वा भाई है वो कौन है? मधु का एक भाई भी है, वो कौन है? मधु का भाई है कैटभ। अब कैटभ कौन है? कैटभ अर्थात कटु, वह जो अच्छा नहीं है, जिससे हमें दुख होता है। इस कटुता की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये भी बताते हैं महर्षि पतंजलि। वह कहते हैं दुख अनुशयी द्वेषः, ये द्वेष की प्रवृत्ति है कैटभ। ये उत्पन्न कैसे होती है? ये उत्पन्न तब होती है जब किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी परिस्थिति में हमें दुख होता है, तो उस स्थान, व्यक्ति, वस्तु के साथ हमारा द्वेष हो जाता है। रागपूर्ण वस्तु मिल जाती है तो आनंद है, अच्छा लगता है। वो किसी और को मिल जाए और आपको ना मिले तो उस व्यक्ति से द्वेष है। यूं हर एक इंद्रिय के भीतर राग और द्वेष स्थित है, और यूं विषयों में बसे हुए इन राग द्वेष को देखकर इंसान इस संसार में अपने राग द्वेष को लेकर दौड़ रहा है। उसके जीवन की केवल दो कार्य है जो वो करता है, उसके जीवन की धारा केवल दो डायरेक्शंस में प्रवाहित होती है, और वो क्या है? जो सुखपूर्ण वस्तुएं हैं, जिनसे मुझे कभी सुख मिला, उनको अर्जित करते रहना, क्योंकि हम सुख के अन्वेषी हैं, और जिनसे दुख मिलता है उन वस्तुओं को अपने जीवन से दूर कर देना, वो निकल जाए हमारे जीवन से। ऐसे व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते जिससे हमें दुख मिला हो। ऐसे व्यक्ति को देखकर कहते हैं सारा दिन खराब हो गया। यूं इस द्वेष के कारण रिश्ते नातों में कलह है, देश देश के बीच में कलह है, ऑफिस में जाते हैं तो एम्प्लॉयज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कलह है, घर में देवरानी, जेठानी, भाई बहन, इनके बीच में कलह है। ये द्वेष की प्रवृत्ति है। और राग, राग तो अनगिनत है। किसी को टीवी देखने का राग है, आजकल लेटेस्ट फैशन है, उंगली ऊपर ऊपर घूमती जाती है और घंटों बीत जाते हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने की, रील्स पर रील्स देखने का राग है। और वो राग ऐसा है कि जीवन में कुछ भी चल रहा हो, एक कोने पे खड़े होकर हम घंटों बिता सकते हैं। एक न्यू इंटॉक्सिकेशन है। जानते हैं ये राग बुरा क्यों है? क्योंकि ये राग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो लत बन जाता है। जैसा एक ड्रग एडिक्ट को मजा आता है ना, और वो बार बार उस ड्रग के पास जाता है, जो फीलिंग ऑफ हाई उसे मिलती है, आज केवल ड्रग्स की एडिक्शन नहीं हुई इंसान को, ये सारे राग, किसी को शॉपिंग करने का राग है, किसी को टीवी देखने का राग है, किसी को क्रिकेट देखने का राग है, ये सारे राग जो है ये हमारे जीवन में एडिक्शन की तरह हैं। और भक्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक उपमा, एक बड़ा व्यवहारिक उदाहरण इस सृष्टि में से ही कुछ प्रजातियों को उठाया और एक बड़ी मार्के की बात हमारे सामने रखी। उन्होंने विवेक चूड़ामणि में लिखा कि
गज, मीन, पतंगा, मधुमक्खी, ये सारी जो प्रजातियां हैं, इन सबको एक एक इंद्री का राग है। जैसे एक हिरण जो है जब शिकारी उसका शिकार करने जाता है तो मधुर ध्वनि, मधुर संगीत को छेड़ता है, वो संगीत का राग उसे होता है, उसकी ओर वह आकर्षित होता है और हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है उस शिकारी का। वो शिकारी उसे पकड़ लेता है, उसका अंत कर देता है, उसकी खाल से आगे ना जाने क्या कुछ कर लेता है, अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही एक पतंग आप सबने देखा है, वह जब प्रकाश को, क्षमा को देखता है तो वह आकर्षित होता है, उसका राग है उस प्रकाश से आकर्षित होता है और उसमें होम हो जाता है, उसके जीवन की लीला का अंत हो जाता है। एक गज जो है उसे स्पर्श की इंद्री, उसकी वीकनेस है, सेंस ऑफ टच। एक महावत क्या करता है, उस विशाल काय हाथी को पकड़ने के लिए एक गजनी का पुतला बनाता है, उसकी ओर आकर्षित होकर वो विशाल काय गज जो है वो गुलाम हो जाता है उस महावत का। एक मधुमक्खी सुगंध की ओर आकर्षित होती है, पुष्प में कैद होकर अपने जीवन का अंत कर लेती है। और एक मीन, उसे स्वाद का, उसे जीवा का आकर्षण है, उसका राग है, वह जब उस दाने को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वह भी मृत्यु को प्राप्त करती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, इन सबको तो एक एक इंद्री ने गुलाम बनाया, लेकिन वो मानव जो अपनी पांचों इंद्रियों का गुलाम है, पांचों इंद्रियों में बसे हुए राग और द्वेष का गुलाम है, उसका क्या बनेगा। वो दौड़ रहा है इस संसार में बेतहाशा और लुटता चला जा रहा है, लुटा रहा है अपने जीवन की पूंजी। उसको सचेत करने के लिए हमारे महापुरुष ने अलख जगाई। कबीर दास जी के शिष्य धर्मदास द्वारा रचित एक वाणी है जो संपूर्ण मानव जाति को जगाने का प्रयास कर रही है, कुछ कह रही है इस मानव जाति से। आइए उस वाणी को श्रवण करते हैं और समझते हैं वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जयकारा श्री राम बाली दा, बोल सांचे दरबार की, दुर्गा मैया की, भारत माता की, गौ माता की, श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। हम सभी प्रभु भक्तों का दिव्य ज्योति जागती संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस प्रभु के महामाई के पावन पंडाल में। और आज की इस सभा में हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, कथा के यजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारी भारतीय परंपरा है उसका निर्वाह करवाने के लिए वो कृपया मंच के पास पधारें। जो हमारी भारतीय परंपरा है दीप प्रज्वलन की, उसका निर्वाह करने के लिए हमारे बीच में श्री विनोद कंडारी जी, माननीय विधायक जी हैं विधानसभा देवप्रयाग से। मैं प्रभु के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें और दीप प्रज्वलन की परंपरा में सम्मिलित हों। श्री अजय नागर जी प्रांत संगठन महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद से। श्री सुधीर जी प्रांत विश्व समन्वय विभाग विश्व हिंदू परिषद से हैं। श्री आलोक सिन्हा जी महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच के पास पधारें और इस परंपरा में सम्मिलित हों। इसके साथ साथ मेरा अनुरोध है इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्री नरेश जौली जी, एडवोकेट महिपाल जी, श्री महिपाल सिंह धपोला जी, श्री युगल किशोरी उनियाल जी, श्री रंजीत सिंह रावत जी, श्री मांगेलाल गुप्ता जी, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्री आकाश ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्री अजय डोंडियाल जी, इस कथा के सभी मुख्य यजमान हैं। सभी इसमें अनुरोध कृपया मंच के पास पधारें। इस कथा के आज के दैनिक यजमान श्री तेजपाल सिंह नेगी जी, श्री सादर सिंह विष्ट जी, श्री सुरेंद्र डोवाल जी, श्री रविंद्र सिंह राणा जी, श्री सत्यवीर चौधरी जी, श्री राजकुमार धीरान जी, श्रीमती अनीता रावत, श्री सोहन पाल यादव जी, इन सभी से मेरा अनुरोध है इस कथा के आज के
दैनिक यजमान हैं, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें और आज की इस दीप प्रज्वलन की परंपरा में सम्मिलित हों। और आइए हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से आज की इस आगे के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इस महामाई की कथा को श्रवण करते हैं। तो जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की, दुर्गा मैया की, श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। कुण धनी मार्ग में लूटे पांच जनी, तेरी काया नगर का कुण धनी मार्ग में लूटे पांच जनी, हाँ पांच जनी पच्चीस जनी, पांच जनी पच्चीस जनी मार्ग में लूटे पांच जनी। मारक में लूटे पांच जड़ी, धर्मदास जी मानव समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि तेरी काया नगर का कौन धनी? अरे भाई, तेरी इस काया नगरी का मालिक कौन है? देख तो सही, तेरी इस काया के धन को, तेरी इस काया में जो अनमोल श्वासों की पूंजी संचरित हो रही है, देख तो जरा, उसे पांच चोर हैं जो लूटते चले जा रहे हैं। पांच नहीं पच्चीस, पांच और पच्चीस का ये फेर है जो तेरी जीवन की पूंजी जिसमें बहती चली जा रही है, तू लुटता चला जा रहा है। अरे कहां है वो मालिक? भक्तों, कबीर परंपरा में कबीर दास जी ने पांच और पच्चीस इन दोनों दोनों अंकों का बहुत तरीके से प्रयोग किया है। कहीं पर ये पांच पंच कलेशों को अभिव्यक्त करने के लिए किए गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे पांच चोर, और कहीं पर उन्होंने इंद्रियों के जो राग और द्वेष से प्रेरित होकर इस पच्चीस तत्वों से बने हुए संसार में भ्रमण कर रही है उसे संबोधित करते हुए कहा। वह कह रहे हैं ये काया एक नगरी है और इस नगरी में लूट मची हुई है, लुटती जा रही है ये नगरी, क्योंकि इस नगरी का राजा जो है वो ना जाने कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, इसलिए गुलाम ही इस काया नगरी में रहने वाले जो गुलाम है ना, वही इस नगरी को लूट रहे हैं। वो इंद्रियां उसके राग द्वेष बेतहाशा इंसान को दौड़ा रही हैं और उसके जीवन रूपी अनमोल पूंजी उसकी शक्ति जो है वो बहती चली जा रही है, लुटती चली जा रही है। भक्तों, कौन है इस काया का मालिक? पूछती हूँ आपसे, कौन है इस काया का मालिक? आप कहेंगे हम हैं, तो फिर ये बताइए आप कौन हैं? बताइए आप कौन हैं? आप इस काया के मालिक हैं तो यही बता दीजिए आप कौन हैं? क्या आपको पता है इस प्रश्न का उत्तर? मैं कौन हूं, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर? आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी, मैं कौन हूं? अरे भाई, मुझे पता है, मेरा नाम सरिता है, मेरा नाम देवकी है, मेरा नाम सुरिंदर है, यही तो हम अपना परिचय देते हैं कि नहीं? परंतु भक्तों, एक बात बताइए, ये नाम अगर आपका ये ना होकर कुछ और होता तो क्या आप बदल जाते? आप बदल जाते? अगर आपको सरिता ना कहकर कविता बुला दूं तो आप बदल जाओगे क्या? नहीं बदलोगे। तो ये नाम जिसको बनाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, ये हमारी पहचान कैसे हुई? क्या नाम इस नगरी की पहचान है? नहीं। दूसरी बार प्रश्न करती हूं, फिर आप कौन हैं? आप कह रहे हैं ना आप इस नगरी के मालिक हैं, तो आप कौन हैं? आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, हाउसवाइफ हूं, होममेकर हूं। परंतु एक बात बताइए, अगर होममेकर ना होकर बिजनेस वूमन होते, अगर डॉक्टर ना होकर क्लर्क होते, अगर
इंजीनियर ना होकर बिजनेसमैन होते तो क्या आप बदल जाते? आप बदल जाते बताइए? नहीं बदलते, नहीं बदलते ना, नहीं बदलते। फिर बताइए इस काया नगर का मालिक कौन? आप कौन हैं जो कह रहे हैं कि मैं इसका मालिक हूँ? कौन हैं आप? आप कहेंगे ये काया नगरी ही हमारी पहचान है, ये काया जैसी दिखती है ना, यही हमारी पहचान है। पर ये काया तो आज ऐसी दिखती है, कल जब बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसी नहीं दिखेगी। पहले जब बच्चे थे तो ऐसी नहीं दिखती थी। तो इस काया नगरी का कौन है मालिक जो कह रहा है मैं? कौन है इस काया नगरी का मालिक? पूछिए अपने आप से। जीवन का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, इसीलिए तो ये काया नगरी लुटती चली जा रही है। काया नगरी लुटती चली जा रही है और हम अपने आत्महत्यारे खुद बने हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं, हम ही इंद्रियों के राग द्वेषों के पीछे लगकर संसार को बटोरने में लगे हैं। मेरा धन, मेरे रिश्तेदार, मेरी उन्नति, ये सब कुछ मैं। हम अपने इस काया नगरी में रहते हैं, अपनी वास्तविक मैं को नहीं जानते और अपनी इस इंद्रियों को ही, अपनी इस काया को ही अपना वास्तविक अस्तित्व मानते हैं। इसलिए इस काया को पोषित कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा को, अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्या है, कौन है वो मैं? क्या वो विचार है? क्या वो आपकी बुद्धि है? आप कहेंगे मेरी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, मेरा अपना एक सोचने का नजरिया है, वही मेरी अलग पहचान है। परंतु ये सोच तो हर रोज बदलती है, नजरिया तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बदल जाएगा, ये भी आपकी पहचान नहीं है। एक बात बताइए, आप सबके पास फोन होगा ना? होगा अपना फोन। आप जरा जब उस फोन को हाथ में लेते हैं, अगर आपसे वो फोन मैं ले लूं तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा फोन है। और मैं कहूं कि आप फोन ही हैं, ये कहना सही होगा? बताइए, नहीं होगा ना। तो ठीक ऐसे ही ये मेरा फोन है, ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी देह है, मेरी नगरी है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरी इंद्रियां हैं, ये सब कुछ मेरा है। वो वास्तविक मैं कौन है जो बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरा है? वो कौन है जो इस शरीर से निकलेगा और ये शरीर, ये सब कुछ यही एज इट इज रह जाएगा? ये सब रिश्ते नाते छूट जाएंगे, वो मैं कौन है? वो है इस नगरी का मालिक जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जिसको हम भूले बैठे हैं। इसीलिए हमारी हालत कैसी हो रही है, हमारी ये नगरी लुटती चली जा रही है। धर्मदास जी बता रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होता है और वो अंत में युक्ति भी बताएंगे। सुनिएगा और फिर इस भजन के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं। आशा कृष्णा नदियां भारी, बह गए संत बड़ा ब्रह्मचारी। आशा कृष्णा नदियां भारी, बह गए संत बड़ा ब्रह्मचारी। जो उबरिया जो शरण तुम्हारी, जो उबरिया जो शरण तुम्हारी। चमक रही है सेलानी ही सेलानी। कबीर गुरु दीन्हा हेला, धर्मदास सुनो निज चेला।
हरे हाँ साहिब कबीर गुरु दीन्हा है ला धर्म दास सुनो निज चेला लंबा मार्ग पंथ दुहेला लंबा मार्ग पंथ दुहेला सिमरो से जन हर धनी सिर जन हर धनी का गुण धनी मार्ग में लूटे पांच जनी तेरी काया नगर का गुण धनी मार्ग में लूटे पांच जनी हाँ पांच जनी पच्चीस जनी पांच जनी पच्चीस जनी मार्ग में लूटे पांच जनी मार्ग में लूटे पांच जनी मार्ग में लूटे पांच जनी धर्मदास जी अपनी इस वाणी के अंतिम दो वाक्यों में कहते हैं कि धर्मदास को इस रहस्य का उद्घाटन किसने किया उसके समक्ष जब उसके जीवन में कबीर दास जी आए कबीर की शरणागत हुआ तो समझ आया कि इस नगरी का मालिक कौन है और कैसे इस संपूर्ण संसार में भटकते रहने से बचना है कौन सा मार्ग अपनाना है। भक्तों आज मधु और कैटभ की इस अंत की गाथा जो हम श्रवण कर रहे हैं मधु और कैटभ हमारे जीवन की अशांति के कारण है और इस अशांति से मुक्त होने के लिए हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से जुड़ना होगा और उस वास्तविक अस्तित्व से जुड़ने का मार्ग क्या है वह है गुरु सद्गुरु रूपिणी माँ की शरण में जाना होगा जैसे आज भगवान विष्णु पहुँचे हैं। वही वो युक्ति प्रदान करते हैं जिससे मधु और कैटभ का वध संभव है और आज जब भगवान विष्णु पहुँचे हैं माँ भगवती की चरणों में प्रार्थना उन्होंने अर्पित की है माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ रहस्य समझाओ क्या कारण है कि मैं इन दोनों का वध नहीं कर सकता। तो उनकी इस पुकार को सुनकर माँ उनके अंतर जगत में प्रकट हो जाती हैं और माँ कहती है विष्णु इन दोनों का वध इसलिए तुम नहीं कर पा रहे कि इन दोनों को मेरा वरदान प्राप्त है मेरी शक्ति के कारण ही इनका संरक्षण हो रहा है इन्होंने मुझसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है और इन दोनों का वध मैं एक युक्ति के माध्यम से तुम्हारे द्वारा ही कराऊंगी तुम चिंतित मत हो मैं तुम्हें युक्ति प्रदान करती हूँ इन दोनों का वध तुम्हारे हाथों ही सुनिश्चित है तुम ही इनका अंत करोगे। और आज माँ भगवती ने भगवान विष्णु को वो युक्ति बता दी भगवान विष्णु प्रसन्न है उत्साहित है क्योंकि माँ की कृपा मिली है माँ वहाँ से अंतर्धान हुई इधर भगवान विष्णु को माँ ने कहा जाओ जाकर पुनः युद्ध में रत हो और उस युद्ध भूमि में जब मैं अपनी माया का संचार करूँगी तब इस युक्ति का प्रयोग करना और तब मधु और कैटभ का वध होगा। आज भगवान विष्णु पूरे जोश के साथ उत्साह से भरे हुए बढ़ चलते हैं युद्ध क्षेत्र की ओर उधर मधु और कैटभ तो प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे ही भगवान विष्णु को आते देखते हैं तो आज अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हो गया विश्राम विष्णु अब हमारे साथ युद्ध करो और आप इस युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। आज भगवान विष्णु भी पूरे बल के साथ बढ़ चले और भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ पर प्रहार किया यहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। एक और भगवान विष्णु प्रहार पर प्रहार करते चले जा रहे हैं और उधर मधु और कैटभ उन पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मधु और कैटभ भी अपने पूरे बल
बल के साथ आज भगवान विष्णु के साथ युद्धरत हो गए हैं और यूं एक बार वो युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया, चलता चला जा रहा है। कभी भगवान विष्णु ऐसा लगता है उनका अंत कर देंगे और कभी मधु और कैटब उन पर हावी होने लगते हैं। यूं एक के बाद एक प्रहार पर प्रहार चलता चला जा रहा है, संपूर्ण जल राशि थर थर कांप रही है और तभी भगवान विष्णु कहते हैं, रुको रुको मधु और कैटब, तुम दोनों का पौरुष तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आज मैं तुम्हारे इस पौरुष को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम दोनों मुझसे वरदान मांगो। इतना सुनना था कि मधु और कैटब हंसने लगे। तुम जो हमसे पराजित होने वाले हो, तुम्हें तुम जिसे विश्राम की आवश्यकता थी, तुम हमें वरदान दोगे? जाओ विष्णु जाओ, युद्ध एक को समाप्त करते हैं, हमें तुमसे कोई वरदान नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहां पर महामाया प्रकट हो गई। आज एक दिव्य रूप धारिणी का रूप धारण कर आई है और आज महामाया ने जब अपनी माया का संचार किया तो मधु और कैटब भूल गए कि ये वही जगत जननी है। आज उस रमणी को देखकर आकर्षित हो रहे हैं और अब माँ इशारा करती है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु एक बार पुनः कहते हैं, मधु और कैटब, मैं तुम पर सच में प्रसन्न हूँ। मांगो, कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो? आज मैं तुम्हें वरदान दूंगा। वो सामने से कहते हैं, विष्णु तुम हमें क्या वरदान दोगे? जाओ, आज हम तुम्हें वरदान देते हैं। मांगो, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? अगर तुम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो मांग लो, आज हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। यह सुनना था कि भगवान विष्णु को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, मधु और कैटब, अच्छा तुम अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं सज्ज हूँ। मुझे वरदान दो कि तुम दोनों का अंत मेरे हाथों हो, मेरे हाथों ही तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित हो। आज जैसे ही मधु और कैटब ने यह सुना, वह तो अचंभित रह गए, सोच में पड़ गए, ये क्या हो गया हमारे साथ, अब क्या करें, वरदान तो देना ही पड़ेगा। इस दिव्य रूप धारिणी के समक्ष अगर हम अपनी बात से फिर गए तो हमारा तो पौरुष ही कलंकित हो जाएगा। आज यह सोचकर उन दोनों ने अब कहा, ठीक है विष्णु, फिर हमने तुम्हें ये वरदान दिया कि हम दोनों का अंत तुम्हारे हाथों होगा, परंतु एक बात याद रखना, हम दोनों का अंत केवल और केवल मात्र एक ऐसे स्थान पर हो सकता है जहां पर जल ना हो। देखो चारों दिशाओं में जल ही जल है, कोई ऐसा स्थान जहां पर जल ना हो वही तुम हमारा अंत कर सकते हो। इसलिए ऐसा कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम हमारा अंत कभी नहीं कर पाओगे, फिर भी हमने तुम्हें ये वरदान दिया। आज बहुत उन्मत्त हो रहे हैं, वरदान तो दे दिया लेकिन सोच रहे हैं हमारा तो वध हो नहीं सकता, लेकिन यही तो योजना थी। अब जैसे ही भगवान विष्णु को वरदान मिला, आज भगवान विष्णु ने अपने आकार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचा, आकाश तक ऊंचा उन्होंने अपना रूप बना लिया और आज अब मधु और कैटब को अपने एक एक हाथ में उठा लिया। मधु और कैटब को अपने हाथों में उठाकर कहने लगे, मधु और कैटब, अब सज्ज हो जाओ, तुम्हारे अंत का समय अब पास है, अब मेरे हाथों से तुम दोनों का अंत होगा। मधु और कैटब कहते हैं, कहाँ है वो जल शून्य क्षेत्र, कहाँ करोगे हमारा अंत? हमारा अंत नहीं हो सकता, हमारा अंत तो केवल एक जल शून्य क्षेत्र में हो सकता है। और अब भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी मुष्टिका में पकड़ा और अब अपनी जंघाओं को विस्तृत किया। आज जैसे ही जंघा को विस्तृत किया, मधु और कैटब के मस्तक को अपनी एक एक जंघा पर रखा और कहने लगे, देखो देखो मधु और कैटब, है ना ये जल शून्य क्षेत्र, अब इसी क्षेत्र में तुम दोनों का अंत होगा। प्रभु ने अगले क्षण अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र दो भागों में विभाजित हुआ, द्रुत गति से घूमने लगा और घूमते घूमते आज मधु और कैटब का सर धड़ से अलग कर दिया। उन दोनों की जीवन लीला का अंत हुआ और आज चारों ओर अब आनंद है, शांति का विस्तार है। ब्रह्मा विष्णु आज दोनों ही मिलकर अब माँ के चरणों में यशोगान कर रहे हैं, उनकी महिमा गान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब संभव हो पाया जगत जननी महामाया की कृपा से।
मधु और कैटव वध की लीला को नवरात्रों में हम पढ़ते हैं और मधु कैटव वध करा था जब माँ ने, तो भक्तों ने जब ये लीला पढ़ी तो उन्होंने आनंद बनाया क्योंकि उनके हाथ वो युक्ति लगी जिससे जिस युक्ति से वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आज इस प्रांगण में हमने मधु कैटव वध की लीला को श्रवण किया है, तो क्यों नहीं हम सब भी मिलकर माँ का यशोगान करते हैं जिनकी कृपा से मधु और कैटव का वध संभव हो पाया। आप सब हमारे साथ माँ का यशोगान करेंगे, बताइए, सभी बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, एक जोरदार जय घोष लगाते हैं, बोलिए आदिशक्ति महामाया की जय। माई मेरी सचिया ज्योता वाली तेरी सदा ही जय हो। आइए मिलकर माँ का यशोगान करते हैं। बताते हैं, माँ के दरबार में बैठे हैं और माँ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। क्या ऐसा मौका जीवन में बार बार आता है? आता है? नहीं आता। तो जब ये मौका आया है जीवन में तो माँ से क्या शर्माना, जब जब माँ का यशोगान करेंगे, हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और झूमेंगे और माँ को मनाएंगे। तैयार है आप सब? तैयार है? चलिए फिर माँ की महिमा गाते हैं और अपने आप को रोकेंगे नहीं, अपने भावों को माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। दुष्टों को तुम्हारे, भक्तों को तू तारे, दुष्टों को तुम्हारे, भक्तों को तू तारे, मैया जय जय हो तेरी, संकटों से तू भर, जय जय हो तेरी मैया रानी। जग का तू सदा है आए, दूर करती कष्ट सबके चरणों से लगाए, करने कल्याण जग का तू सदा है आए, दूर करती कष्ट सबके चरणों से लगाए, मधु कैटव बितार दिए, हाँ मधु कैटव बितार दिए, बिना किए देरी मैया रानी जय हो, अम्बे रानी जय हो, मैया रानी जय हो, अम्बे रानी जय हो, मैया रानी जय हो, अम्बे रानी जय हो, मैया रानी जय हो, अम्बे रानी जय हो। तारिणी ज्वाला दुर्गरे भवनी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवनी, तारिणी
श्रद्धा से बुलाने वाला तुझको पाए, काल तेरे आगे मैया अपना सर झुकाए। सच्ची श्रद्धा से बुलाने वाला तुझको पाए, काल तेरे आगे मैया अपना सर झुकाए। तू ही दुर्गा तू भवानी, तू ही दुर्गा तू भवानी, तू ही दुनिया मेरी मैया रानी। जय हो अम्बे रानी, जय हो मैया रानी, जय हो अम्बे रानी, जय हो मैया रानी, जय हो अम्बे रानी, जय हो मैया रानी, जय हो अम्बे रानी, जय हो। दुष्टों को तुम्हारे भक्तों को तू तारे, दुष्टों को तुम्हारे भक्तों को तू तारे। मैया जय जय हो तेरी, संकटों से तू उबारे, जय जय हो तेरी जय। भक्तों, माँ ने मधु कैटप का वध करवा दिया और उस समय एक बार पुनः शांति हो गई उस जलराशि में। उसके बाद सृष्टि क्रम आगे बढ़ा। भक्तों, चलते चलते हम भी युक्ति समझते हैं। राग और द्वेष का अंत करने के लिए जो युक्ति भगवान विष्णु को दी, वही सद्गुरु जब आते हैं इस धरा धाम पर, वो सद्गुरु रूपिणी माँ ही, वो शक्ति ही सद्गुरुओं के रूप में आती है इस धरा धाम पर और ये युक्ति प्रदान करती है एक मानव को। एक मानव, एक जिज्ञासु जो चाहता है, जो इन राग द्वेष से विचलित हो, इन राग द्वेष की, इन इंद्रियों की गुलामी से परे, इनसे ऊपर उठना चाहता है, जब वह एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में पहुंचता है तो वहां पर उसे युक्ति बताई जाती है। वो युक्ति क्या है? राग का उल्टा क्या होता है भक्तों? वैराग, वैराग्य। वैराग्य पैदा होना, वैराग्य से ही हम इस राग से, जब वैराग्य पैदा होगा राग का अंत होगा। लेकिन ये वैराग्य, इस संसार की वस्तुओं से वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या है? जैसे ये शब्द सुनते हमें लगता है शायद कहेंगे संसार को छोड़ दो, संसार को छोड़ने के लिए कहेंगे अब। नहीं भक्तों, वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार के साथ जो आसक्ति आपने बांधी है उसे छोड़ना, उससे मुक्त हो जाना। ऐसे ही जिज्ञासा को लेकर एक बार राजा जनक के पास पहुंचे थे सुखदेव मुनि, और सुखदेव मुनि को राजा जनक ने एक लीला कर समझाया था मुक्ति का मार्ग, राग और द्वेष से मुक्ति का मार्ग। जब सुखदेव मुनि राजा जनक के पास पहुंचे, वेदव्यास जी ने कहा था अपने पुत्र को, जाओ जानो उनसे वो युक्ति, जिस जो मुक्ति की युक्ति है, इन राग द्वेष से मुक्त हो जाने की जो युक्ति है उनसे जानो। जब वो वहां पहुंचे तो उनके मन में शंका हुई, जो इतने भव्य राज्य का मालिक है वो मुझे क्या युक्ति बताएगा? उसके जीवन में तो खुद ही वैराग्य नहीं, इतनी सुंदर नगरी मुझे वैराग्य की शिक्षा देगा। अब राजा जनक जो थे वो विदेह राज जनक थे, ब्रह्मनिष्ठ तत्व वेता संत थे, और आज उनके पास वो युक्ति थी, उनके पास वो ब्रह्म ज्ञान था, और आज वो समझ गए कि सुखदेव मुनि के मन में एक संदेह है। तो उन्होंने वहाँ पर एक लीला की, उन्होंने कहा, सुखदेव मुनि मैं आपको उत्तर दूँ इससे पहले आपकी जिज्ञासा को मैं परखना चाहता हूँ। आपको एक कार्य करना होगा, क्या आपको वो शर्त मंजूर है? सुखदेव मुनि तीव्र जिज्ञासु थे, उन्होंने कहा मुझे सारी शर्तें मंजूर है, आप बताइए तो सही मार्ग क्या है। राजा जनक ने कहा ठीक है, अपने मंत्रियों को आदेश दिया और कहा जाओ जाकर एक तेल से भरा हुआ लबालब पात्र ले आओ। तेल से भरा हुआ लबालब पात्र लाया गया, और अब उन्होंने मुनि सुखदेव को कहा, मुनि सुखदेव
इस पात्र को लेकर आपने मेरी पूरी नगरी की परिक्रमा करनी है। और ध्यान रखिए, अगर परिक्रमा करते हुए इस तेल के पात्र में से एक भी बूंद गिरी, तो फिर ये दो चांडाल भेज रहा हूं आपके पीछे, उसी समय आपका सर धड़ से अलग होगा और आपकी जीवन लीला का अंत हो जाएगा। बोलिए, मंजूर है शर्त? सुखदेव मुनि ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि कहा मंजूर है। अब तेल से भरे हुए पात्र को थामा और धीरे धीरे बढ़ चले नगरी की परिक्रमा करने के लिए। चलते चले जा रहे हैं, चल रहे हैं, मार्ग में बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह एकाग्र है उस तेल के पात्र पर। चलते चले जा रहे हैं, चलते करते उन्होंने पूरी नगरी की परिक्रमा कर ली और वो पहुंच गए वापस उस राजमहल में। राजमहल में जैसे ही राजा जनक के समक्ष पहुंचे, उन्होंने वो पात्र उन्हें थमाया और कहा, लीजिए, मैंने आपकी शर्त पूरी की, पूरी नगरी की परिक्रमा कर ली है और एक भी बूंद नहीं टपकी इसमें से तेल की। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुक्ति का मार्ग क्या है? इस संसार में जो इंद्रियों के कारण हम गुलामी कर रहे हैं, ये संसार के आकर्षण जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, इन सब आकर्षणों से, इस माया जाल से मुक्ति का मार्ग क्या है? राजा जनक ने कहा, अभी ठहरिए, अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये बताइए, जब आप परिक्रमा कर रहे थे, तो आप परिक्रमा करते हुए मेरे इस राज्य के वन प्रदेशों से निकले होंगे, आपको हमारे वन प्रदेश कैसे लगे? अब सुखदेव मुनि ने थोड़ा सा सोचा और कहा, हाँ निकले तो थे, ठीक थे, ज़्यादा ध्यान में दे नहीं पाया। अब राजा जनक ने एक और प्रश्न पूछा, अच्छा फिर निकलते निकलते आप हमारे इस नगरी के बाजारों से गुजरे होंगे और हमारे बाजारों की ख्याति दूर दूर तक है, आपको कैसे लगे हमारे बाजार? सुखदेव मुनि फिर सोच में पड़ गए और कहने लगे, राजन मैंने उन बाजारों को नहीं देखा। तीसरा प्रश्न पूछा, आपने हमारे यहाँ के सरोवर तो देखे ही होंगे। जैसे ही ये प्रश्न पूछा, मुनि सुखदेव ने कहा, नहीं राजन नहीं, एक बात बताइए, दो चांडाल, दो जल्लाद आपने मेरे पीछे लगाए थे और साथ में ये कहा था कि एक बूंद भी टपकेगी तो वो मेरा अंत कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे देखता कुछ? मैंने कुछ नहीं देखा। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे क्या? राजा जनक मुस्कुराए और कहने लगे, प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया। इस संसार के विषय भोगों में जो हमारी इंद्रियां दौड़ रही हैं, उस राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग तो आपको मिल गया। वो मार्ग है कि इस संसार की जो सत्यता है, इस संसार के सभी रसों की जो रस है, इस संसार की हर वस्तु को जो उसकी श्रेष्ठता प्रदान करती है, वो महारस जो समस्त रसों की रस है, उस भगवती के साथ अपने ध्यान को जोड़ लीजिए। इसी संसार में रहिए पर ध्यान उस भगवती में लगा लीजिए, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने अस्तित्व को जानकर आज हम अपने आप को देह समझते हैं। ये शरीर को हमने अपना अस्तित्व माना है, इसलिए शरीर के सुखों की ओर ही हम दौड़ रहे हैं। जिस दिन हम अपने वास्तविक अस्तित्व, उस मैं को, वह जो ईश्वर का अंश है, जो आत्मा है, जब हम अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, तो जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य, सब कुछ अपने आप समझ आ जाता है। इसलिए सद्गुरु जब जीवन में आते हैं ना, वो आपको आपकी एक एक समस्या का समाधान नहीं देते। ये तो ऐसा है, संसार की अनगिनत समस्या है, एक एक समस्या तो ऐसे है जैसे एक वृक्ष के सूखते हुए पत्ते। आप उन पत्तों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रॉब्लम पत्तों में नहीं है, पत्ते इसलिए सूख रहे हैं क्योंकि जड़ में पानी नहीं दिया। हमारी आत्मा, हमारी इस एग्जिस्टेंस की, हमारी इस पर्सनालिटी की, हमारा वास्तविक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हम पोषित ही नहीं कर रहे। वो आती है ये देह धारण करके, ये देह से उसका अस्तित्व नहीं है, उससे इस देह का अस्तित्व है। इसलिए आप उस आत्मा को जाने, जब सद्गुरु की शरण में जाते हैं, तो वो हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी युक्ति प्रदान करते हैं।
ब्रह्म ज्ञान अर्थात उस ब्रह्म स्वरूपिणी माँ के उस भगवान के दर्शन जिससे होते हैं, वो हमें हमारे जीवन की वास्तविक अस्तित्व का के बारे में बताते हैं और फिर बताकर उसके दर्शन भी करवाते हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हम इस संसार में आए हैं, इस आत्मा की ये यात्रा है जो अनगिनत योनियों से चलती हुई आ रही है और ये आत्मा उस परमात्मा में एक होना चाहता है, ये अंश अपने उस अंशी में एक होना चाहता है, इसीलिए ये भटक रहा है, जब ये समझ आ जाता है ना, तब वैराग्य पैदा होता है। और जब हम उस भगवती का ध्यान करते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उसका चिंतन करते हैं अंतर्घट में उतर कर, तब ये वैराग्य प्रगाढ़ होता है और राग और द्वेष, ये संसार के विषयों में बसे हुए राग और द्वेष, उनका आकर्षण होना बंद हो जाता है। एक सरल से उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति के पास झोंपड़ी हो और उसे एक आलीशान बंगला दे दिया जाए तो क्या उसे उस झोंपड़ी को छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा, बताइए? नहीं। क्या उसको उस झोंपड़ी के छूटने का कोई दुख होगा? नहीं। तो इस संसार के राग द्वेष से मुक्ति आपको रसों का रस प्रदान करते हैं वो गुरु, वो रसों का रस जिससे समस्त आनंद का जो स्रोत है वो भगवती जब जीवन में आती है तो ये सांसारिक नश्वर रस जो है अपने आप छूट जाते हैं। इट इज सो ऑटोमैटिक। उसके बाद जीवन खत्म नहीं होता, जीवन का नया आयाम आता है, एक साधारण व्यक्तित्व, एक श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ता है। जिन महापुरुषों की हम गाथाएं सुनते हैं, जो हमारे आइकन्स हैं, जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, स्वामी विवेकानंद कैसे इतने महान बने, इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ और उस ईश्वर को उन्होंने जाना, उस भगवती को जाना, देखा, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया रामकृष्ण परमहंस जी के माध्यम से, जाना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के स्तर पर स्थापित होकर जब जीवन जिया तो असाधारण जीवन बन गया उनका। मीरा बाई जी, उन्होंने जब उस परम आनंद को प्राप्त किया तो अपने महलों को छोड़कर निकली और दुनिया को बताया कि ये सांसारिक धन जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, ये धन, ये संपदा, ये तो कुछ नहीं है, कौड़ियाँ हैं, कौड़ियाँ, उस हीरे को ले लो, उस हीरे को ले लो, वो भगवान, वो भगवती प्रतीक्षा कर रही है। इस धन को तो आपने देख लिया ना, कोविड 19 का जो अटैक था हम पर, उसमें हम सबने देख लिया, धन पड़ा है, रिश्ते नाते वही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। जिस सिक्योरिटी के लिए हम ये दुनिया के कार्य व्यवहार करते हैं, वो सिक्योरिटी का मिली नहीं, मिली नहीं, मिली तो जिसको पाने आए हैं उसको क्यों नहीं पाते? इन संसारिक व्यवहारों में उलझकर अपनी इस काया के, इस जीवन के अनमोल धन को लुटा रहे हैं, ये गाथा हमें समझा रही है। ये युक्ति है, अपने आप का बोध, उस भगवती का बोध, उसी से हमें मुक्ति मिलेगी इन राग और द्वेष से। और भक्तों, आज ऐसे ही एक और भक्त की गाथा सुनते हैं। ये गाथा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज जब इसे सुनेंगे तो एक नई दृष्टि को इससे प्राप्त करेंगे। ये गाथा है राजा हरिश्चंद्र की। यूँ तो इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स हैं, एक जो सबसे सरलतम और समझ आने वाला वर्जन है उसको हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। राजा हरिश्चंद्र, ये गाथा प्रारंभ होती है स्वर्ग में होते हुए एक संवाद से। स्वर्ग नगरी में इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उस सिंहासन पर स्थित है, और आज उनकी सभा में मुनि विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ बैठे हैं। इंद्रदेव पूछते हैं कि इस धरा पर ऐसा कौन है इस समय जो अत्यंत धर्मज्ञ हो? जैसे ही ये प्रश्न होता है तो उस समय मुनि वशिष्ठ कहते हैं, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र, इस संपूर्ण धरा पर उससे बड़ा धर्मज्ञ और सत्यनिष्ठ कोई और नहीं। मुनि विश्वामित्र यह सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र, कहने लगते हैं, ये वही हरिश्चंद्र है जो कल तक अपने पुत्र के मोह में दो बालकों की बलि देने चला था, ये वही है क्या? इसकी बलि, इसके कुकृत्य को तो मैंने ही रोका था, वो कैसे धर्मज्ञ हो सकता है? मुनि वशिष्ठ कहते हैं, उस हरिश्चंद्र का तो अब अंत हुआ,
ये हरिश्चंद्र जो है ये धर्म में स्थित है, ये धर्म में स्थित है, सत्यनिष्ठ है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र व इस धरा धाम पर सबसे धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है। विश्वामित्र जी कहते हैं ऐसे तो नहीं मानूंगा, वह कहते हैं मैं परीक्षा लेकर देखूंगा, आपको मंजूर है? मुनि वशिष्ठ कहते हैं अवश्य। और तब एक माया का संचार करते हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र धरा धाम पर एक माया का संचार करते हैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र आखेट के लिए वन प्रदेश में गए, और उसी वन प्रदेश में आज मुनि विश्वामित्र ने अपनी माया का संचार किया। ध्यान की अवस्था में स्थित होने का वहां पर एक अभिनय किया, और एकाएक जब आखेट के लिए बड़े हुए राजा हरिश्चंद्र का जो दल था वो वहां पहुंचा, तो उनके शोर से विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ। राजा हरिश्चंद्र वहां जब उस दृश्य को देखते हैं तो आज मुनि विश्वामित्र क्रोध में उठते हैं और कहते हैं, राजन तुमने मेरा इतना भीषण तप भंग किया है, ये दृष्टता तुमने क्यों की? आज राजा हरिश्चंद्र, जिनसे अनजाने में ये गलती हुई थी, वो दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं बोध था कि आप इस वन प्रदेश में तपस्यारत है, अगर मुझे बोध होता तो मैं नहीं आता यहाँ पर। कहने लगे, बताइए मुनिवर, बताइए किस प्रकार से मैं इस भूल का परिमार्जन करूं, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। आज मुनि विश्वामित्र जो पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे थे, क्रोध में भरकर कहते हैं, मेरा तप अपनी पराकाष्ठा पर था, उसे पूर्णता मिलने ही वाली थी, परंतु तुमने मेरे इतने वर्षों के प्रयास को यूं ही विफल कर दिया, क्या दे सकते हो मेरे तप का फल? आज राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु मैं कैसे दे सकता हूं, और कुछ भी मांगिए मुनिवर मैं सब दूंगा। मुनि विश्वामित्र ने अब कहा, ठीक है, मुझे मेरी तपस्या का फल तो मिला नहीं, तो तुम मुझे अपना अब राज्य दो। जिस तपस्या के फल को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने राज्य को त्यागा था, आज तुमने मेरा तप भंग किया है, मुझे अपना राज्य दान में दो। जैसे ही यह सुना, कोई और होता तो स्तब्ध रह जाता, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं, दोनों हाथ जोड़े उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और कहने लगे, मेरा राज्य कल से आपका मुनिवर, मेरा वचन है आपको, मेरा राज्य कल से आपका। आज मुनि विश्वामित्र ने यह सुना, वो अचंभित तो हुए, परंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि कल ये अपने वादे को निभाएगा। मुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन जाओ, लौट जाओ शीघ्रति शीघ्र, कल प्रातः काल ही मैं आपकी नगरी अयोध्या में आऊंगा, और तब मुझे मेरा राज्य सम्मान दे देना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा राज्य कल से आपका है मुनिवर, कल से आपका है। यह कहकर राजा हरिश्चंद्र वहां से प्रस्थान कर गए और पहुंच गए अपने राज्य में। सबसे पहले पहुंच गए अपनी पत्नी शैब्या के समक्ष। आज अपनी पत्नी शैब्या के समक्ष पहुँच कर कहने लगे, शैब्या लगता है विधि का यही विधान था, हमारा साथ इतना ही था, अब कल अपने मंत्रियों को भेजकर मैं संदेश पहुंचा देता हूं मिथिलापुरी, कल तुम अपने पिता के घर लौट जाना, हमारे पुत्र को लेकर, रोहताश को लेकर तुम अपने पिता के घर चली जाना, ना जाने अब कब हमारा मिलन हो। आज शैब्या ने जब यह सुना तो प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा हरिश्चंद्र की ओर देख रही है, स्वामी ये क्या कह रहे हैं, कैसे लौट जाऊं और क्यों चली जाऊं अपने पिता के घर, क्या हुआ है, आज कुछ ऐसा है जो आप मुझे बता नहीं रहे। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, तुमसे क्या छुपाना, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, आज मेरे कारण मुनि विश्वामित्र का तप भंग हो गया और उन्होंने मुझसे दान में मेरा राज्य मांग लिया, मैंने ये राज्य उन्हें दान में दे दिया है शैब्या, कल से ये राज्य मेरा नहीं, मैं राजा नहीं, कल से मैं दास हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इस निर्णय में खड़ा होने की क्या आवश्यकता है,
इसलिए तुम लौट जाओ, अपने पिता के घर लौट जाओ, हमारे पुत्र को भी वहीं ले जाओ। आज रानी शैब्या मुस्कुराने लगी। स्वामी, तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? मैं कैसे आपका साथ छोड़कर जा सकती हूँ? मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। अगर आपने इस राज्य को दान में दिया है तो मेरा भी ये राज्य दान में अर्पित हो गया है। मैं भी कल आपके साथ इस राज्य का त्याग कर आपके साथ ही आगे बढ़ूंगी। इतना सुनना था कि पुत्र रोहताश, जो ये सारी बात सुन रहा था, वो भी तेजी से सामने आकर कहता है, पिताश्री, मैं भी आप दोनों के साथ ही जाऊंगा। आज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी और अपने पुत्र की ऐसी बात सुनी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्हें एक सहारा, एक संबल मिल रहा है कि उनके निर्णय का समर्थन उनकी पत्नी और उनके पुत्र ने भी किया। अब राजा हरिश्चंद्र बढ़ चले राज्यसभा की ओर। राज्यसभा में पहुंचकर आज सभी सभासदों को बुलाया और उनके समक्ष ये बात रखी, कल से ये राज्य मुनि विश्वामित्र का होगा। मंत्रीवर, मैंने इस राज्य को उन्हें प्रदान कर दिया है, कल से आप उनकी आज्ञा का अनुपालन करेंगे। सभी मंत्रियों ने जब यह सुना तो वो स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं आ गई, मंत्रणा चलने लगी, बार बार स्वर उठने लगे, ये क्या किया राजन, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप हमारे राजा हैं। और जैसे ही ये सूचना राज्य में फैली तो आज तो समस्त राज्य अयोध्या नगरी का एक एक वासी वह चिंतित हो उठा। उस रात अयोध्या में कोई नहीं सोया, क्योंकि सब चिंतित है, सब परेशान है कि हमारे राजा तो राजा हरिश्चंद्र है, वो हमें यूं छोड़ कैसे सकते हैं। ऐसा स्नेह था अयोध्या वासियों का अपने राजा के साथ। और उस पूरी रात कोई नहीं सोया। सूर्य की पहली किरण उदित हुई, राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल की सभा में पहुंच गए और समस्त अयोध्या वासी जो रात भर जाग रहे थे वह भी राजमहल के बाहर आकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सारे कार्य व्यवहारों को संपन्न किया ही था भी कि एकाएक उस राजमहल में स्वर फूटा मुनि विश्वामित्र का। मुनि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे, राजन, तुमने अब तक इस राज्य को त्यागा नहीं? क्या तुमने अपना वचन छोड़ दिया है, त्याग दिया है? क्या तुम अपना वचन पूर्ण नहीं करने वाले? लगता तो ऐसा है कि तुम इस राज्य को नहीं त्यागोगे। राजा हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, नहीं नहीं मुनिवर, आज से जो वचन मैंने आपको दिया था उस वचन पर मैं कटिबद्ध हूँ और ये राज्य अब आज से आपका हुआ। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, यदि ये राज्य मेरा हुआ तो फिर तुम राजसी वस्त्रों में क्यों दिख रहे हो और ये राज्य का मुकुट ये तुम्हारे शीश पर क्यों स्थापित है? जैसे ही यह सुना तो आज राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी दुविधा के उस राज मुकुट को उतारा और मुनि विश्वामित्र को प्रदान कर दिया। अगले ही क्षण अपने समस्त राजसी अलंकारों का भी त्याग किया और आज वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। इधर राजा हरिश्चंद्र ने वल्कल वस्त्र धारण किए, उधर रानी शैब्या और उनका पुत्र रोहताश वह भी साधारण वेशभूषा में आ गए। उन्होंने भी अपने समस्त राजसी अलंकारों का त्याग किया और आज जब अपने राजा, रानी और उस राजकुमार को इस अवस्था में देखा तो आज राज्य के जो वासी हैं उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। वह रो रहे हैं, अपने राजा की ऐसी स्थिति को देखकर आज उनके हृदय में पीड़ा हो रही है। आज उन्होंने अपने राजा हरिश्चंद्र ने अपने अपने पादुकाओं का भी त्याग किया, चल रहे हैं कंटक भरे पथ पर और राज्य की जो प्रजा है जब ये देख रही है तो उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। सब लोग कह रहे हैं, नहीं नहीं राजन, नहीं, आप हमें यूं छोड़ के नहीं जा सकते, हम नहीं मानेंगे मुनि विश्वामित्र की बात, हम भी आपके साथ चलेंगे। मुनि विश्वामित्र ने जब ये शब्द सुने तो राजा हरिश्चंद्र को ताना कसते हुए कहने लगे, अच्छा हरिश्चंद्र, यह योजना बनाई है, तुम्हारी प्रजा द्रोह करेगी और मैं इस स्थान को छोड़कर चले जाऊं, इसीलिए ये हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी समस्त प्रजा को संबोधित किया।
कहने लगे, आप अगर मुझसे स्नेह करते हैं तो धर्म का पालन कीजिए। जिस धर्म के लिए, जिस वचन के लिए मैंने इस राज्य को त्यागा है, उस वचन में मेरे सहयोगी बनिए। आज से आपके राजा मुनि विश्वामित्र हैं। आप एक श्रेष्ठ प्रजा हैं और उस श्रेष्ठ प्रजा होने का दायित्व निभाइए। उसके नाते जैसा मुनि विश्वामित्र कहे वही आपके लिए आज्ञा है। आज मुनि विश्वामित्र जब यह सुनते हैं तो अब राजा हरीशचंद्र मुनि विश्वामित्र को वो राज्य सौंप कर चलते चले जा रहे हैं। समस्त प्रजावासी रोते हुए देख रहे हैं। अभी उस राजमहल के द्वार तक ही, उस नगरी के द्वार तक ही पहुंचे थे कि एकाएक मुनि विश्वामित्र वहां पुनः आ जाते हैं और कहते हैं, हरीशचंद्र तुमने मुझे दान तो दे दिया लेकिन दक्षिणा का क्या? तुम्हारा दान अधूरा है, मुझे मेरी दक्षिणा दो। यूं साथ में जो राजकोष का मंत्री चल रहा था, राजा हरिश्चंद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, इन्हें दक्षिणा प्रदान कर दो। मुनि विश्वामित्र ने कहा, राज्य मेरा है, राजकोष मेरा है, ये मंत्री मेरा है, तुम इसे आज्ञा कैसे दे सकते हो? राजा हरिश्चंद्र, अब तुम राजा नहीं रहे, अब तुम केवल हरिश्चंद्र हो, दो मेरी दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिया और कहा, बताइए आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? मुनि विश्वामित्र ने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, कैसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं तत्क्षण दूं? मैंने तो अपना सब कुछ आपको दे दिया, मुझे कुछ समय दीजिए, एक माह का समय दीजिए, तब मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपकी दक्षिणा प्रदान कर दूंगा। मुनि विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, ठीक एक माह के बाद मैं आऊंगा, मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए। और आज ये वचन देकर राजा हरिश्चंद्र वहां से बढ़ चले, चलते चले जा रहे हैं, चलते चलते अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ काशी नगरी पहुंच जाते हैं। लंबी यात्रा तय की है परंतु सामने एक बहुत बृहत कार्य है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करनी है। यूं 1000 स्वर्ण मुद्राओं को अर्जित करने के लिए तीनों लग जाते हैं उन मुद्राओं को अर्जित करने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कल तक जो राजा था आज उसके पास कुछ नहीं, कल तक जो रानी थी आज वो दासियों की तरह काम कर रही है, परंतु फिर भी राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनके पुत्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इतने कष्टों में हैं, उनकी प्रजा उनके कष्टों को देखकर रो रही थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर मुस्कान है, संतोष है। आखिर किस मिट्टी के बने हैं? हमारे जीवन में एक छोटी सी दुविधा आती है, हम परेशान हो जाते हैं, और उनके जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट गया लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके चेहरे पर मुस्कान है। आखिर ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं? भक्तों, भारतीय संस्कृति में ऐसी महान विभूतियां हुई जिन विभूतियों के जीवन चरित्र से आज तक पूरा विश्व प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। राजा हरिश्चंद्र के पास ऐसा क्या था कि वो इतने विपत्ति काल में भी मुस्कुरा रहे हैं? आज हमें भी वो युक्ति जाननी है, हमें भी वो युक्ति समझनी है। भक्तों, इस जीवन में दो पथ हैं, एक है श्रेय पथ और एक है प्रेय पथ। प्रेय मार्ग जो है वो है मन को प्रिय लगने वाला मार्ग, और श्रेय मार्ग जो है वो है श्रेष्ठ मार्ग। मन को प्रिय लगने वाले मार्ग पर सब बढ़ते हैं, सारी दुनिया, आप सब, हम सब पहले सब प्रेय मार्ग की ओर ही बढ़ रहे थे। प्रेय मार्ग पर बढ़ना सहज है क्योंकि वहां पर कुछ करना नहीं है, मन जैसा कहता है, मन जिस दिशा में दौड़ाता है, बस वहां भागते जाना है। उस प्रेय मार्ग पर सब बढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग। उस श्रेय मार्ग पर कोई विरला ही चलता है। उस श्रेय मार्ग पर बड़े हमारे महापुरुष,
उस श्रेय मार्ग पर बढ़ रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, उस श्रेय मार्ग पर बढ़े थे स्वामी विवेकानंद, उस श्रेय मार्ग पर बढ़े थे छत्रपति शिवाजी, और जो उस श्रेय मार्ग पर बढ़ता है ना वो फिर महान बन जाता है। उस श्रेय मार्ग पर चंद लोग क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो श्रेय मार्ग कठिन है, मन के विरुद्ध चलना पड़ता है, श्रेष्ठ आदर्शों को लेकर चलना पड़ता है, वो कठिन है, उस पर बढ़ना कठिन है, उस पर संघर्ष करना पड़ता है, परीक्षाएं होती हैं। आप कहेंगे ऐसे मार्ग पर बढ़ना ही क्यों जब परीक्षाएं होती हैं? भक्तों, संघर्ष तो इस प्रेम मार्ग पे भी आप कर रहे हैं। कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन जीवन में कोई संघर्ष नहीं आता, किसी विपत्ति का सामना नहीं होता, कुछ अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जद्दोजहद नहीं करते? संघर्ष तो दोनों ही और है, परंतु इस प्रेम मार्ग का संघर्ष जो है ना वो इंसान को पल प्रतिपल मिटाता है, खत्म करता है, और जो उस श्रेय मार्ग का संघर्ष है वो श्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए है। इसीलिए वो श्रेय मार्ग का संघर्ष जो है वो मानव को पल प्रतिपल बनाता चला जाता है, उसके पात्र को घड़ता चला जाता है, और जब पात्र निर्मित हो जाता है तो दिव्य कृपा उसमें प्रवाहित होती है और वह साधारण सा इंसान महान विभूति बन जाता है। और श्रेष्ठ पथ पर जो चले, हम अपने मन माने मार्गों पर चल रहे हैं फिर भी दुखी रहते हैं, परंतु जो श्रेष्ठ पथ का चयन करते हैं वो कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहते हैं। कैसे? आइए उनसे हम सीखते हैं। वो श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए मुस्कुराते हैं, उनकी इस मुस्कान का सीक्रेट हमें जानना है। और जानते हैं, स्माइल, मुस्कान को बोलते हैं स्माइल। और स्माइल ये जो वर्ड है ना, ये हमारे सामने पांच सूत्र रखता है, फॉर एन एवर लास्टिंग स्माइल इन ऑल द टर्मोइल्स ऑफ लाइफ। जानना चाहते हैं वो पांच सूत्र? जानना चाहते हैं? सूत्र नंबर एक, स्माइल का एस, स्माइल का एस हमसे कहता है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट वॉकिंग। चिंता करना बंद करो और अपने कर्म में जुट जाओ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कार्य करते रहो। एक बार महात्मा बुद्ध के नवीन जो प्रशिक्षित परिव्राजक थे वो अपने कर्म क्षेत्र में उतरने जा रहे थे, तो तब तथागत ने उन्हें अपने समक्ष बुलाया और पूछा कि जब तुम सतपथ पर बढ़ोगे तब बहुत से लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, तब तुम क्या करोगे, कैसे उनका सामना करोगे? तो उन सभी परिव्राजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक परिव्राजक ने कहा, हम बादलों की तरह बरसने के लिए, वायु की तरह सरसराने के लिए, सूर्य की तरह चमकने के लिए और चंद्र की तरह चांदनी बिखेरने के लिए बड़े हैं, और इस कर्तव्य पथ पर बढ़ने का आनंद से हम इतने रस विभोर रहेंगे कि फिर कोई हमारा तिरस्कार करे या अपमान करे उसे सुनने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, यूं हम अंत तक अपने पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। सत्य ही तो है, चिंता तो उसे होती है जिसके पास लक्ष्य नहीं, जिसका लक्ष्य उसे पुकार रहा होता है वो किसी बात पर ध्यान नहीं देता, इसलिए चिंता नहीं कर्म में रत हो जाओ। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, बिगर द गोल हायर इज द जील नीडेड, व्हेन द गोल इज लाइक ओशन यू शुड फ्लो लाइक अ रिवर टायरलेसली एंड इनसेसेंटली, लाइकवाइज योर गोल इज गॉड सो बिकम लाइक अ रिवर। अगर लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति का तो फिर नदी की तरह जो सागर की ओर कल कल कर बहती है वैसे बहना होगा, और जो वैसे बहते हैं उन्हें फिर दुख नहीं होता, वो सदा मुस्कुराते हैं। ये बता रहा है पहला सूत्र। सूत्र नंबर दो, स्माइल का एम हमसे क्या कह रहा है, मेंड योर एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। किसकी ओर? समस्या की ओर अपने दृष्टिकोण को बदलिए। संघर्ष आएंगे जीवन में, विपत्तियां आएंगी जीवन में, लेकिन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, विपत्तियां आपको गिराने के लिए नहीं आती, विपत्तियां आपकी शत्रु नहीं है, विपत्तियां तो आपकी मित्र हैं। महाराज जी एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, एक दृष्टांत सुनाते हैं। महाराज जी ने कहा, एक बार एक किसान था, भगवान का भक्त था, और एक दिन वो भगवान को उल्हाना देने लगा,
कि यूं तो आप सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपको खेती करनी नहीं आती, इसीलिए कभी किसी समय पर भी आप वर्षा कर देते हो, कभी भी आप ओलावृष्टि कर देते हो, और कभी भी आप गर्मी को इतना प्रचंड कर देते हो। आपको ना खेती करनी नहीं आती। प्रभु ने ये सुना तो प्रभु उसके समक्ष प्रकट हो गए, कहने लगे, तुम क्या कह रहे थे मुझे खेती करनी नहीं आती? तो उसने कहा, हाँ प्रभु, आपको खेती करनी नहीं आती। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, फिर अब तुम ही मुझे बताना, जब तुम कहोगे तब वर्षा होगी, जब तुम कहोगे सूर्य प्रचंड होगा, और जब तुम कहोगे ओलावृष्टि होगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अब वो किसान प्रसन्न हो गया और उसने अब प्रभु को जब जब बोला, उसने बीज बोए, फसलों को के ऊपर कार्य करना शुरू किया, जब जब जैसा जैसा बोला प्रभु ने वैसा ही किया, और नतीजा क्या हुआ, ऊंची ऊंची फसलें लगी। ये देखकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया। जब वो प्रसन्न हुआ तो आज उसने कहा, देखा, मैं जानता था ना प्रभु को नहीं आता किसानी करना, खेती करना। जैसे ही ये बात सुनी तो अब वो समय आ गया जब फसलों को काटने का समय था। फसल काटने के लिए जब गए तो क्या हुआ, फसल काटने के लिए जब कटाई शुरू की तो फसलें तो ऊंची ऊंची थी पर उसके अंदर दाना नहीं था। वो किसान सोच में पड़ गया, अरे ये कैसे हो गया। उसने प्रभु को बुलाया, याद किया, प्रभु ये क्या हुआ, फसलें ऊंची ऊंची है पर दाना ही नहीं है, बीज ही नहीं पड़ा, फल ही नहीं लगा। तो आज प्रभु ने कहा, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा है, तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना संघर्ष के फल नहीं पैदा होता। जैसे बिना संघर्ष के इन फसलों को तुमने रखा और इसमें फल पैदा नहीं हुआ, भक्तों ठीक ऐसे ही अगर जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे तो हमारे जीवन में भी हमें सफलताओं के फल कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए वो विपत्तियां आती हैं ताकि हमारे जीवन में श्रेष्ठ फल हम प्राप्त कर सके। इसलिए उन विपत्तियों के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलिए। ये कह रहा है एम दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है आय स्माइल का। आय हमसे क्या कह रहा है, आय नेस से आय लेसनेस की ओर बढ़ें। मैं को छोड़िए, और इस मैं को छोड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिनके जीवन में मैं जो है वो मैं लगी रहती है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, उनका मन हमेशा भारी रहता है क्योंकि राग द्वेष की पहरेदारी उनके जीवन में रहती है। इसलिए इस मैं को छोड़कर तू की ओर बढ़िए। सतपथ के राही जो है वो मैं में स्थित नहीं होते, वो तो अपने आत्मा में स्थित होते हैं, वो इन संसार की वस्तुओं में स्थित नहीं होते, वो अपने वास्तविक अस्तित्व को जानते थे, आत्मा में स्थित थे, और वह उस आत्मा में स्थित होकर उस प्रभु के लिए ही अपने हर कार्य को अर्पित करते हैं, इसलिए वो हर विपत्ति में मुस्कुराते रहते हैं। अब चौथा सूत्र एल क्या कह रहा है, एल है लव फॉर द गोल। अगर लक्ष्य महान चुना है तो लक्ष्य से प्रेम कीजिए, शिद्दत से प्रेम कीजिए, हर क्षण उस लक्ष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि जिनका लक्ष्य महान होता है वो लक्ष्य स्वयं उनको उत्साहित करता है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने एक दिन कहा था, लव फॉर द आइडियल विल वैंक्विश ऑल ट्रबल्स, लव फॉर द आइडियल विल ड्रॉ डायनामिज्म, लव फॉर द आइडियल, इट वॉज लव फॉर द आइडियल दैट भगत सिंह वॉज एबल टू वॉक थ्रू द गैलोज विद अ स्माइल। महर्षि ने कहा, जानते हो वो भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर कैसे चढ़ गया, क्योंकि वो माँ भारती से इतना प्रेम करता था और उसके लक्ष्य ने, उस माँ भारती के प्रति उसके प्रेम ने उसे उत्साहित किया, उसके जीवन में सदैव श्रेष्ठ स्पंदन को विस्तृत किया, उसका हर विपत्ति में उसे हौसला प्रदान किया। इसलिए अपने लक्ष्य से प्रेम कीजिए। अगर वो लक्ष्य आपको उत्साहित नहीं कर रहा ना आपके जीवन का, इसका मतलब आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। एक सतपथ के राही का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं होता, सतपथ के राही का लक्ष्य तो विशाल होता है। उस ईश्वर जैसा असीम, इस विश्व के कल्याण जैसा असीम उसका लक्ष्य होता है। और पांचवा और अंतिम सूत्र, ये मास्टर सूत्र है, ईज आउट हो जाओ, अपने पे मत लो, कैसे लोगे टेक इट ईजी, कैसे ईज आउट हो जाओगे, जब उस भगवती जिसने आपको बनाया है उसका आश्रय लोगे।
एक बात बताओ, ये मुस्कान जो होती है ना सतपथ के राहियों की, वो विश्वास की मुस्कान होती है। वो मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जब वो गिरेंगे तो उन्हें उठाने वाली मैया है, जब वो रुकेंगे तो उन्हें बढ़ाने वाली मैया है। उनके ऊपर क्षति आई इससे पहले उनकी माँ उनके साथ है। एक बात बताइए, आपने पैराग्लाइडिंग करते हुए लोगों को देखा होगा और शायद खुद भी की हो। पैराग्लाइडिंग जब कोई करता है तो एक ऊंचाई से नीचे छलांग मारता है। अब स्वाभाविक रूप में अगर देखें, कोई व्यक्ति ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो तो क्या होगा? चिल्लाएगा, रक्षा की मांग करेगा, घबराएगा। गिरते गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इतना भय लगता है। लेकिन जब कोई पैराग्लाइडिंग करता है तो इतनी ऊंचाई से कूदता है और सेल्फी खींचता है, मुस्कुराता है, इंजॉय करता है, ये कैसे होता है? क्योंकि उसको पता है कि उसने जिसके साथ छलांग लगाई है ना, वो एक्सपर्ट है, वो उसे गिरने नहीं देगा, वो उसे मरने नहीं देगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचेंगे तो वो पैराशूट खोलेगा और उनके जीवन की रक्षा हो जाएगी, इसलिए वो निश्चिंत है। ऐसी ही निश्चिंतता होती है एक सतपथ के राही के जीवन में, एक भक्त के जीवन में। प्रहलाद ऐसे नहीं अग्नि की शिखा में जाकर बैठ गया था, उसे विश्वास था कि उसके प्रभु उसके साथ हमेशा है। प्रहलाद ने ऐसे नहीं बोला था खम्मे में भगवान है, उसने देखा था उनको कणकण में, इसलिए कहा था इस खम्मे में भी मेरे भगवान है, और उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अध्यात्म क्षेत्र के सारे चमत्कार इसी विश्वास पर आधारित हैं, और ये विश्वास बातों से पैदा नहीं होता, केवल भगवती की बाहर से पूजा आराधना करने से पैदा नहीं होता। जब तक वो दिखती नहीं है साथ, विश्वास कैसे होगा? विश्वास का सूत्र है, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ई, जिम खगपति जल के चिकनई। जब तक जाना नहीं, प्रेम पैदा नहीं होता, विश्वास पैदा नहीं होता, भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति का आधार है देखना, और इन सभी भक्तों ने, सतपथ के राहियों ने उस गुरु की कृपा से अपने अंतर्घट में उस ईश्वर को देखा, उसके दर्शन किए, और फिर जीवन की हर परिस्थिति में ये मुस्कुराते हुए चलते रहे। तो अगर आप संघर्षों से घबराते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत से विकार है जो आपको इस सतपथ पे रोकने का प्रयास करते हैं, अगर आप सतपथ पर बढ़ना चाहते हैं, तो इस मंच से आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणा को लेकर आए हैं, हर उस सतपथ के राही को जो प्रेरित करेगी, वो प्रेरणा हम लेकर आए हैं, वो मुस्कुराहट की रीति अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, वो हमने आपको बताया। जब आपके पास भी वो ब्रह्म ज्ञान होगा ना, जिससे ईश्वर के दर्शन करेंगे, तो जीवन के हर पल में मुस्कुराते रहेंगे और सतपथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आइए सुनते हैं इस सुंदर सी प्रेरणा को। चलो राही, पथ पे गए चलना
भगवती को अंतर घट में जानिए और चलिए उस श्रेष्ठ पथ पर, सदैव मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि वो भगवती पग पग पर साथ होती है और वो पग पग पर साथ उसका इमेजिन नहीं करना पड़ता, वो दिखती है आगे आगे चलती हुई। जब विपत्ति घेर लेती है तो उसकी गोद में वो उठा लेती है, खुद शूलों पर चलती है और सूली को शूल कर देती है। भक्तों, आज राजा हरिश्चंद्र भी, क्योंकि वह अंतर से उस प्रभु से जुड़े हैं, धर्म के अनुयायी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो आज वह अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए, अपने वचन को पूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं है इस बात की कि वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है। तीनों पूरी तरह मेहनत में रत हैं, लेकिन अपना पूरा प्रयास करने के बाद भी इतनी विपत्तियां आ रही हैं, पूरा प्रयास करने के बाद भी वो चंद मुद्राएं ही एकत्रित कर पाए हैं। करते करते माह के अंत की अवधि आ गई, वह दिन आ गया जिस दिन वह माह खत्म होना था, एक अब वह समय आ गया जब एक दिन ही शेष रह गया था उस माह के खत्म होने में। और उस समय अब राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं कि 1000 मुद्राएं देनी थी लेकिन एकत्रित तो बहुत कम हुई हैं। उस समय वह अपनी पत्नी शैब्या के पास जाते हैं और कहते हैं, अब कैसे करेंगे, कल मुनि विश्वामित्र आएंगे और हमें उन्हें 1000 मुद्राओं की दक्षिणा देनी है, परंतु ये तो चंद ही मुद्राएं एकत्रित हुई हैं, आज ऐसा लगता है मैं इस धर्म के मार्ग से च्युत हो जाऊंगा, मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं है, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा उठ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। उस समय पत्नी शैब्या कहती हैं, राजन, मैंने देखा है काशी नगरी के घाटों पर लोग अपने आप को भी बेचते हैं, सौदा करते हैं, आपके पास इतनी सुंदर पत्नी है, इसे कोई भी दासी के रूप में प्राप्त करना चाहेगा तो आप मुझे कल इस काशी नगरी में मेरा मुझे बेच दीजिए और जो धन मिले उस धन को से आप उस दक्षिणा को पूर्ण कीजिए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र यह सुनते हैं, शैब्या ये क्या कह दिया, ये कैसे संभव है, ये संभव नहीं, मैं तुम्हें कैसे बेच दूं, एक धर्म का पालन करने के लिए दूसरे धर्म का परित्याग कर दूं। राजन, धर्म तो एक ही होता है। शैब्या आज अपने स्वामी को याद करा रही है उन शिक्षाओं की, उस ज्ञान की जो मुनि वशिष्ठ के माध्यम से उन्होंने अर्जित किया था। कहने लगती है, स्वामी, मुनि वशिष्ठ ने कहा था
कि धर्म सर्वोपरि है। हमने जीवन इस जीवन को प्राप्त किया है उस सत्य के मार्ग पर निरंतर चलने के लिए। ये सब रिश्ते नाते तो ना जाने कितनी बार बने होंगे और आप मुझे अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा ना बेचेंगे। इस धर्म की वेदी पर अगर मेरे इस जीवन की भी बलि चढ़ जाए तो फिर मेरा जीवन धन्य है। आप निसंकोच इस उपाय का प्रयोग कीजिए क्योंकि हमें धर्म का पालन करना है। हम अपने वचन से नहीं फिर सकते। इतना त्याग, इतनी विपत्तियों को सहना सब बेकार हो जाएगा। आप मुझे कल काशी नगरी के बाजार में बेच दीजिए। हृदय पर आघात लगा परंतु राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं। आज अपनी पत्नी की इस बात को समझ गए, धर्म सर्वोपरि है। जिन आदर्शों पर जीवन टिका है उन आदर्शों को अपने हिसाब से नीचे नहीं गिराया जा सकता। वो आदर्श ही क्या जो हम नीचे खींच लें, आदर्शों के लिए तो खुद ऊपर उठा जाता है। उन आदर्शों पर स्थिर रहने के लिए आज राजा हरिश्चंद्र ने वो कर दिया जिसकी परिकल्पना भी कभी कोई नहीं कर सकता था। काशी नगरी के बाजार में खड़े हैं और अपनी पत्नी की बोली लगा रहे हैं, आओ और खरीद लो एक सुंदर दासी को, आओ और खरीद लो एक सुंदर दासी को। और उस बाजार में जो सौंदर्य के लोलुप लोग थे वह जमा हो गए। बोलियों पर बोलियां लगने लगी। 500 स्वर्ण मुद्राओं में आज राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बिक गई। जब मां को जाते हुए देखा तो पुत्र रोहताश रोने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने आग्रह किया। उस सेठ ने सोचा, इसके साथ एक छोटा सा दास भी ले जाता हूं। 200 स्वर्ण मुद्राओं में रोहताश भी बिक गया। राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, अपने वचन का अनुपालन करने के लिए अपनी पत्नी को बेचा, अपने पुत्र को बेचा और अंत में खुद खड़े हो गए उस बाजार में। परंतु आश्चर्य देखिए, आश्चर्य कहूं या संसार की सच्चाई, जो कल तक राजा था, जिसे स्वर्ण में तोला जाता था, जिसका पैमाना, जिसकी वर्थ आज की भाषा में कहें तो इतनी थी कि बड़े बड़े साम्राज्य उसकी जूतियों में थे, आज उसे खरीदने के लिए वहां कोई नहीं खड़ा था। तब भटकता हुआ एक डोम आया। उस डोम ने 300 स्वर्ण मुद्राओं में राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। वो डोम जो शमशान में चिताओं को जलाने का कार्य करता था, आज उस डोम के हाथों जो उस समय सबसे निकृष्ट कार्य माना जाता था, राजा ने अपने आप को बेच दिया। किस लिए? अपने वचन के पालन के लिए, उस आदर्श के लिए। और तब 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की विश्वामित्र को। तब कौन सा विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए? वह तो परीक्षा ले रहे थे। और आज उन्होंने उल्हानों के, तिरस्कार के, कटाक्षों के ऐसे बाण छोड़े, कहा, हरिश्चंद्र ये कैसा धर्म है, अपनी पत्नी को बेच दिया, कैसा धर्मज्ञ है तू, तू तो मानव से भी नीच है, राजा कहलाने के लायक नहीं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई शब्द नहीं। वो बढ़ चलते हैं। अब तीनों अपनी अपनी राह में हैं। वो जो कल तक रानी थी दासी का काम कर रही है, दिन रात लगी रहती है, परंतु फिर भी वो सेठ उसे मारता है। वो नन्ना सा रोताश, सारा सारा दिन उससे इधर से उधर सामान उठाया जा रहा है, उसको लगा रखा है, लेकिन वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोई उलाना नहीं, भगवान को कोई उलाना नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और उधर राजा हरिश्चंद्र, वह भी चिताओं को अग्नि दे रहे हैं, शमशान भूमि में ही उनका वास है। समय व्यतीत होता गया, उन्हें समय के सुधरने की कोई इच्छा भी नहीं है, वो अपने कर्म में लगे हैं। एक दिन आया जिस दिन रोहताश को एक सर्प का दंश लगा, एक सर्प ने डस लिया और रोहताश जो था वो तड़पने लगा। वो सेठ इतना निर्मम था कि उसने उस समय भी रानी शैब्या को मुक्त नहीं किया कार्य से,
और करते करते रात्रि हो गई। रोहताश की देह से प्राण निकल गए और रानी शैप्या बिलक बिलक कर रोने लगी। आज अपने पुत्र को हाथों में उठाया और बढ़ चली शमशान भूमि की ओर। शमशान भूमि की ओर बढ़ गई है और उस शमशान भूमि में पहुंचकर आज रो रही है, खोज रही है किसी को कि कोई उसके पुत्र को चिता अग्नि तो प्रदान करते। गहन रात्रि है, उस अंधकार में कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। उसे सामने एक छाया दिखती है। वो छाया है राजा हरिश्चंद्र की, जो उस शमशान भूमि में रहते हैं। आज उनकी पास बढ़ती चली जाती है और कहती है, हे देव, मेरे इस पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे इस पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं इसके जीवन की रक्षा तो नहीं कर पाई, इसके अंत की सद्गति तो आप प्रदान कर दीजिए, इसे समय से चिता अग्नि प्रदान कर दीजिए। आज राजा हरिश्चंद्र ने जब यह स्वर सुना, एकाएक पहचान गए, ये तो शैप्या की वाणी है। इसके हाथ में रोहताश है। हल्की हल्की चांदनी की रोशनी में देख लिया कि ये तो मेरी पत्नी शैब्या है, लेकिन उनकी धर्मज्ञता जानते हैं कितनी है। आज जब उस डोम के दास हैं, तो आज कहते हैं, देवी, इस शमशान का एक नियम है, यहां पर अग्नि उसी को मिलती है जो एवज में इस शमशान का धन, इस शमशान की जो राशि प्रदान करनी होती है वो प्रदान करता है। जो इसका कर देगा उसी को अग्नि मिलेगी। आज शैब्या ने भी सुन लिया, जैसे ही आवाज सुनी पता चल गया कि ये तो मेरे स्वामी हैं। आज शैब्या कहने लगी, स्वामी, ये आपका पुत्र है, क्या इसके लिए भी, इसको अग्नि प्रदान करने के लिए भी मुझे कर देना पड़ेगा? हरिश्चंद्र स्थिर है, अपने धर्म के अनुपालन करने के लिए स्थित है उस पर। कहते हैं, अवश्य देवी, मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, मैंने तो तुम्हें बेच दिया था। मेरा धर्म तो मुझे इस शमशान भूमि में जो कार्य करना है उसके प्रति प्रेरित करता है, इसलिए तुम्हें कर तो देना ही होगा। तो आज शैब्या ने क्या किया, अपने पुत्र को एक ओर रखा और वह जो साड़ी का एक वस्त्र उन्होंने पहना था उस वस्त्र को आधा काटा, क्योंकि जो कर नहीं दे सकते उन्हें वस्त्र का आधा टुकड़ा देना होता है। उस साड़ी को आधा फाड़ा और आधा कपड़ा जो था वो अब कर के रूप में अर्पित किया। तब राजा हरिश्चंद्र ने भी उस वस्त्र को धारण किया और कहा, शैब्या, अब हम अपने पुत्र को अग्नि प्रदान करते हैं, अब हम उसे चिता अग्नि प्रदान करते हैं। आज स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने चिता का निर्माण किया, चिता को सजाया और उस चिता पर आज जब चिता को स्थापित कर दिया, रोहताश को अपने हाथों में लेकर उस पर रख दिया और आज दोनों हृदय में पीड़ा है कि पुत्र उसे बचा नहीं सके। जिसे दुनिया में लाए थे ये सोचकर कि वो राजा बनेगा, भावी राजा होगा, उसकी ऐसी नियति हुई, हृदय में पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को लेकर भी भगवान को उलाना नहीं दे रहे। आज राजा हरिश्चंद्र बढ़ चलते हैं माँ की ओर। माँ शाताक्षी के भक्त थे, माँ के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मुझे शक्ति दो, जीवन की ये विपत्तियां इनको दूर करो, मैं ये नहीं मांगता, लेकिन इन विपत्तियों के पल में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दो, माँ, मुझे शक्ति दो। और आज कैसा आर्त स्वर उन दोनों ने छेड़ा है, उन्होंने छेड़ा है, माँ से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिए इस भक्त की प्रार्थना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई उलाहना नहीं है, जिसमें सुख की कोई मांग नहीं है, बस समर्पण है, समर्पण है और समर्पण है। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ,
जय मां जय जय मां जय मां जगदम्बे हे मात भवानी तू करुणामयी तू ही दयानी जय मां 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 जगदम्बे हे मात भवानी तू करुणामयी तू ही दयानी जगदम्बे हे मातृ भवानी तू करुणामयी तू ही दयानी एक तुझ पे भरोसा है माँ हमें तेरा सहारा है माँ एक तुझ पे भरोसा है माँ हमें तेरा सहारा है माँ तेरा नाम पुकारे हमें दर्शन दे तेरा नाम पुकारे हमें दर्शन दे हम अपनी व्यथा माँ किससे कहे अपनी व्यथा माँ किस से कहे जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जब राजा हरिश्चंद्र ने और रानी शैब्या ने माँ को यूं पुकारा तो वह माँ जो पल प्रतिपल अपनी संतानों के साथ रहती हैं उन्हें पुकार रहे हैं नेत्रों से अश्रु धारा आज प्रवाहित हो रही है और अब राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं अपने हाथ में उस मशाल को उस अग्नि को धारण कर लेते हैं और अपने पुत्र रोताश की चिता को अग्नि प्रदान करने के लिए आज आगे बढ़ते हैं जैसे ही आगे बढ़ते हैं अभी उस अग्नि को चिता से स्पर्श ही करवाने वाले हैं कि एकाएक उस घोर रात्रि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है माँ ने आज अपनी लीला का विस्तार किया और आज वहां पर उन्हें रोकने के लिए स्वयं इंद्रदेव वहां प्रकट हो जाते हैं इंद्रदेव स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आते हैं और कहते हैं धन्य है राजा हरिश्चंद्र धन्य है आप मेरा शत शत नमन आपको मेरा शत शत नमन चलिए मैं आपको अपने साथ स्वर्ग लेकर जाने आया हूं आपका स्थान इस धरा पर नहीं है वो स्वर्ग ही आपका स्थान है चलिए लेकिन देखिए राजा हरिश्चंद्र धर्म के पक्के हैं अपने कर्तव्य के पक्के हैं कहते हैं
देवराज इंद्र, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो उस डोम का दास हूँ। उस डोम की जो आज्ञा होती है मैं वही करता हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। देवराज इंद्र समझाने का प्रयास करते हैं कि यह तो माया है। तभी वहां पर एकाएक विश्वामित्र जी आ जाते हैं। वह विश्वामित्र जी जिन्होंने इस पूरी माया का विस्तार किया था और परीक्षा ले रहे थे राजा हरिश्चंद्र की, आज मुनि विश्वामित्र कहते हैं, धन्य है राजा हरिश्चंद्र, धन्य है तुम्हारी सत्यनिष्ठता, धन्य है तुम्हारी भक्ति और धन्य है वो मुनि वशिष्ठ जिनके तुम शिष्य हो। आज जैसे ही यह सुना तो अब मुनि विश्वामित्र पूरा रहस्य खोलते हैं, कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम कोई दास नहीं हो, तुम किसी के दास नहीं हो, तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो, तुम तो अभी भी उस महान अयोध्या नगरी के राजा हो और अब तो तुम विश्व के लिए प्रेरणा हो। अपनी माया से ही मैंने ये सारा दृश्य रचाया था और आज मैं तुम्हारी इस सत्य निष्ठता से इतना प्रसन्न हूँ कि आज मैं अपने समस्त तप का बल प्रयोग कर तुम्हारे इस पुत्र को जीवित करूँगा। मुनि विश्वामित्र अगले ही संचिता के पास पहुंचते हैं और अपने तप के बल से आज रोहताश को प्राण दान प्रदान करते हैं। रोहताश जीवित हो जाता है और अब राजा हरिश्चंद्र और रानी शैभ्या वो प्रसन्न है अपने पुत्र को देखकर। यूं उनकी इस परीक्षा के काल का अंत हुआ और तब इंद्र पुनः कहते हैं, चलिए राजा हरिश्चंद्र, चलिए, वो स्वर्ग नगरी आपका इंतजार कर रही है। और इतिहास बताता है कि उस समय भी राजा हरिश्चंद्र जो अपने धर्म के पक्के थे वो कहते हैं, अगर राजा को कोई श्रेष्ठ स्थान मिल रहा है तो राजा अपनी प्रजा के बिना वहां नहीं जा सकता, इसलिए मेरी प्रजा को भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, अगर उन्हें भी वो श्रेष्ठ पद प्रदान करोगे तभी मैं साथ चलूंगा। और ऐसा सुना है हमने कि उस समय स्वर्ग के ओर बड़े थे समस्त अयोध्या के प्रजावासी, राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को लेकर उस स्वर्ग के सिंहासन पर स्थापित हुए, स्थित हुए। भक्तों, ये है वो महान गाथा जो हमारी इस भारतीय संस्कृति में, इस भारत भूमि ने ऐसी अनगिनत गाथाओं को देखा, हमारी इस भारतीय संस्कृति का कीर्ति चिन्ह है ये गाथाएं। एक नहीं असंख्य ऐसी त्याग, तपस्या, सत्यनिष्ठता, आदर्श जीवन की गाथाएं भरी पड़ी हैं हमारी इस भारतीय संस्कृति में। ये भारत भूमि ने देखा है इन गाथाओं को जीवंत और इन गाथाओं को हर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर वयोवृद्धों ने, संतों महापुरुषों ने अगली पीढ़ी को दिया और भारत की ओजस्विता को जीवित रखा। इन गाथाओं को सुनकर ही तो हमने आदर्श जीवन जीना सीखा, इन गाथाओं को ही सुनकर तो हमारे भारत भूमि पर श्रेष्ठ विभूतियों का निर्माण हुआ। और इन्हीं गाथाओं का प्रभाव ऐसा रहा कि जब मानव जाति, भारत भूमि की संतानें उत्साहहीन महसूस करती थी तो फिर यहाँ के लेखक प्रभु श्री राम और कृष्ण की गाथाओं को लेखनीबद्ध करते थे और मानव समाज के अंदर प्रेरणाओं का संचार करते थे। राजा हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से ही प्रेरणा प्राप्त की थी, आदर्श थे। मोहनदास करमचंद गांधी के, राष्ट्रपिता के आदर्श कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। स्वामी विवेकानंद राम और कृष्ण, राम और भगवान शिव की गाथाओं को सुना था बचपन में, प्रेरणा मिली और फिर बड़े उस सत्य के मार्ग पर। ये वो विभूतियां हैं जिन्होंने प्रकाश में रत भारत को सदैव प्रकाशित रखा अपने आदर्श जीवनों से। भक्तों, लेकिन समय के प्रवाह में पाश्चात्यता की ऐसी आंधी चली कि ये गाथाएं, इनसे हमारा संपर्क टूटा, अपनी संस्कृति से हमारा संपर्क टूटा। इन गाथाओं की बजाय शेक्सपियरन टेल्स पढ़ने लगे, शेक्सपियर की स्टोरीज पढ़ने लगे। एंग्लिनाइज्ड हो गई हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम और हमारे ये जो आदर्श थे जो हमेशा हमें श्रेष्ठ मार्ग दिखाते थे वो सब हमसे दूर हो गए। जानते हैं आप, जब इस भारतवर्ष में पहली हिंदी फिल्म बनी, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हुआ, तो कौन सी पिक्चर बनी थी सबसे पहले? राजा हरिश्चंद्र उस पिक्चर का नाम था।
और ब्लैक एंड वाइट बनी, उसके बाद उसको नवीन तरीके से फिर डायलॉग्स के साथ बनाया गया, फिर एक बार मानव समाज को ये संदेश, उनके जीवन का आदर्श सिखाया गया। और केवल हिंदी सिनेमा में नहीं, कन्नड़ा, मराठी, इन सब जगहों पर उस समय राजा हरीश्चंद्र की इस गाथा को जन सामान्य को बताया गया था। क्यों बताया गया था? ताकि ऐसा आदर्श जीवन हम भी उससे प्रेरणा लें, हमारा जीवन भी वैसा बने। और ये केवल एकमात्र फिल्म नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण शायद इसलिए किया गया था क्योंकि उसके बाद ऐसी कई पिक्चरें बनी जो भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, पर कालांतर में वो मीडिया दूषित हुआ, पिक्चरें अश्लीलता की ओर बढ़ गई, सांसारिक और भौतिकवाद का ऐसा पसारा फैला कि आज वही सिनेमा हमें, हमारे समाज को भौतिकवाद की अंधी दौड़ में भगा रहा है, भौतिकवाद के गर्त में गिरा रहा है। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है? इन आदर्शों को भूल जाने का सबसे बड़ी हानि हमें क्या हुई है? आज हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं और हमारे युवा पद भ्रष्ट हो गए हैं। हमारे देश में विवेकानंद जी ने जन्म लिया, हमारे देश में ऋषि अरविंद हुए, हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवा हुए, लेकिन आज हमारे देश का जो युवा है वो कैसा है? इन्होंने धर्म के लिए, इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन हमारे युवाओं ने अपने व्यसनों के लिए अपने आदर्शों को ही छोड़ दिया, अपनी फैमिलीज को ही छोड़ दिया, अपने कल्चर को ही छोड़ दिया। ये प्रभाव हुआ है अपनी संस्कृति को भूलने का। हमारे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे जो जब अपनी दादी नानियों से ये वाली कहानियां सुनते थे तो उन्हें लगता था वाह, ऐसा भी हो सकता है। श्रेय मार्ग की प्रेरणा उन्हें मिलनी थी उन बाल्य अवस्था में। आज हमारी संस्कृति से विलग हुआ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मुझे एक ऐसी बात याद आ रही है इस समय, जरूर साझा करना चाहूंगी आपसे। राजधानी दिल्ली का ही एक विख्यात स्कूल है, उसके एक टीचर ने एक दिन हमें वो मिले और उन्होंने अपनी व्यथा को हमारे समक्ष रखा। उन्होंने हमें बताया कि उनके स्कूल में एक प्ले का आयोजन होने वाला था प्रहलाद और नरसिंह अवतार पर। जब उस प्ले का आयोजन होने वाला था तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और इन महोदय को, इन टीचर को भी उसमें काम करने के लिए, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए इनकी भी ड्यूटी लगी। जब पहली रिहर्सल होने लगी, स्क्रिप्ट पढ़ी जानी थी जब, और स्क्रिप्ट पढ़नी जब प्रारंभ हुई, तो ये व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, जो शास्त्र ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं, ऐसे आयोजनों में आते हैं और प्रभु की लीलाओं को उन्होंने सुना है, जानते हैं ग्रंथों में क्या लिखा है। जब स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की गई, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, उनको सिखाया जा रहा है कि प्रहलाद के साथ शोषण हुआ था, उसका ब्रेन वॉश किया था नरसिंह अवतार ने, भगवान विष्णु मेड हिम अ विक्टिम, ही वॉज ब्रेन वॉशिंग हिम, नारद जो थे वो कल्प्रिट थे। ये एजुकेटेड समाज की गति हो गई है। जिन भगवान विष्णु ने आकर प्रहलाद की रक्षा की थी नरसिंह रूप धारण कर, हमारी ओजस्वी संस्कृति को इतना विभस्त्र रूप दे दिया। और आप जानते हैं जब उन टीचर ने हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से जाकर, प्रिंसिपल से जाकर बात की और इस प्ले को रोकने की बात की, तो उन्होंने भी इस बात को, उन्होंने कहा क्या गलती है, ठीक ही तो है, हम अपनी संस्कृति से इतने दूर चले गए कैसे, हमें यही नहीं पता कि कौन सी कहानियां हैं, उनका मंतव्य क्या है, ये सब कुछ हम कैसे भूल गए। जब हमें ही अपनी संस्कृति का बोध नहीं होगा, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? जब हमारा युवा वर्ग ही भूल जाएगा अपनी संस्कृति को, तो वो युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है,
वो युवा वर्ग इस देश को प्रगति की ओर कैसे बढ़ाएगा? सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, युवा एक नदी के प्रवाह के मानिंद है, अगर उसको दिशा सही नहीं मिलेगी तो वो विध्वंस करेगी, अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वह राष्ट्र का उत्थान करेगी। आज हमारा युवा वर्ग वह तो व्यसनों में डूबा है, वह तो जिन्हें देखता है जैसी जीवन शैली को चलचित्रों में देखता है, समाज में जैसा रहन सहन देखता है, उसने उसी को जीवन का आदर्श मान लिया है। उसके लिए जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करना, सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनना, हाथ में सिगरेट और सामने शराब का प्याला हो, इसी को वो स्टेटस सिंबल बना बैठा है। व्यसनों में डूबा हुआ युवा जिसे अपनी ही परवाह नहीं है, जिसे अपनी ही सुधी नहीं है, जो रात भर पार्टीज में रहता है और फिर कहीं सड़क के किनारे गिरा हुआ मिलता है, वो समाज को आगे कैसे बढ़ाएगा? वो हमारे भारत की कीर्ति को कैसे आगे बढ़ाएगा? वो तो अपनी शक्ति को ही क्षीण कर रहा है। दुखद है ये। जिस भूमि पर स्वामी विवेकानंद हुए, जिन्होंने विश्व में जाकर तहलका मचाया, उस देश का युवा अपने यूथ आइकन को ही भूल गया। उस देश का युवा अपने आदर्श, उन विभूतियों को ही भूल गया। वो अपनी संस्कृति से विलग हुआ, अपने अस्तित्व से विलग हुआ, और इसलिए आज उसकी ये दुर्दशा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस, डिप्रेशन के केसेस भी हमारे देश में ही हैं, और सबसे ज्यादा सुसाइड होता है युवाओं के भीतर, क्योंकि लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, संघर्षों से लड़ नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या अंतर है स्वामी विवेकानंद और उन युवाओं में? क्या अंतर है हरीशचंद्र के जीवन और आज के हमारे जीवन में? क्या अंतर है? उनकी शक्ति देह की नहीं थी, उनका विभूतिवान व्यक्तित्व देह संसाधनों पर आधारित नहीं था, उनका व्यक्तित्व आधारित था आत्म जागृति पर। वो अपनी आत्मा की शक्ति से जुड़े हुए थे और उस आत्म शक्ति से जुड़कर ही उनका ऐसा विभूतिवान व्यक्तित्व बना जिस व्यक्तित्व की चूल्हे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला पाई। आज तो हमने अपने कैरेक्टर को ही गवा दिया है। परेशानी आती है कि हम आदर्शों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए कोई आदर्श ही नहीं है, हमने आदर्श ही इतने छोटे चुने हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे होगा? आज इस भूले बिसरे समाज को एक बार पुनः भारतीय संस्कृति के कोर, भारतीय संस्कृति का कोर, जिसने भारत की ख्याति को विश्व में विस्तृत किया, वो है इसका अध्यात्म, वो है इसकी स्पिरिचुअलिटी, वो है वो आत्मदर्शन जिसे विश्व में कोई और नहीं करा सकता। हमेशा इस अध्यात्म ज्ञान का विस्तार इस भारत भूमि से विश्व में हुआ है, और इस अध्यात्म के आधार पर ही हमारे इस देश में ये महान विभूतियों का निर्माण किया। हमारे गुरुओं ने, वो सदगुरु आए और उन्होंने इसी आत्म ज्ञान को प्रदान कर साधारण से युवाओं के भीतर से विवेकानंद का निर्माण कर दिया, साधारण से मुकुंद के भीतर योगानंद परमहंस का निर्माण कर दिया, साधारण से व्यक्तित्वों को महान विभूतियों में परिवर्तित किया। कैसे? उन्हें उनके आत्मा से जोड़कर, वह जो आदर्श बिंदु है, वो जो एक स्टैंडिंग पॉइंट है जहां से हम अपनी समस्त शक्तियों का सृजन प्राप्त करते हैं, जो उस शक्ति का सोर्स है वो आत्मा, जब उससे ये जुड़े तो जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहे। आज एक बार फिर उसी आध्यात्मिक जागरण की, उसी अध्यात्म की आवश्यकता है, जिस अध्यात्म का विस्तार कर स्वामी विवेकानंद बने थे, जिस अध्यात्म के दूरी पर टिककर छत्रपति शिवाजी ने इस एक ऐसी क्रांति को छेड़ा कि भारत को मुगलिया साम्राज्य से मुक्त करवाया था। उस युवा शक्ति का आज जागरण करना होगा, और वो जागरण केवल और केवल मात्र अध्यात्म से संभव है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आज हम केवल आपके समक्ष ये कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे, आज इस समय में भी जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने उस काल में विवेकानंद को वो अध्यात्म ज्ञान प्रदान कर घड़ा था,
जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी का निर्माण किया था, जिस प्रकार युक्तेश्वर गिरी जी ने मुकुंद को योगानंद परमहंस बनाया था, जिस प्रकार रैदास जी ने मीराबाई को क्रांतिकारी मीराबाई बनाया था, जिस प्रकार हमारे अध्यात्मविदों ने उन गुरुओं ने शिष्यों का निर्माण किया था, आज भी सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो भारतीय संस्कृति के उन नायक है, उन्होंने उसी अध्यात्म ज्ञान को इस समाज के समक्ष प्रकट किया है। और महाराज श्री ने हजारों हजार ऐसे युवा हैं जिन्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उनके भीतर उस आत्मा का दर्शन उन्हें करवाया, और जब उन्होंने अपने अंतर्घट में उस आत्मा का दर्शन किया तो आज वह भी इस संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सैम वर्कशॉप्स। ये ऐसे वर्कशॉप्स हैं जो की जाती है मॉडर्न यूथ के लिए, मॉडर्न स्टाइल में विद रॉक म्यूजिक। लेकिन इन रॉक म्यूजिक में जो शब्द हैं, जो भाव हैं, जिनका विस्तार किया जाता है वो है भारतीय संस्कृति। आज वही युवा जो कल तक व्यस्तों में डूबे हुए थे, महर्षि ने जब उन्हें उनके वास्तविक अस्तित्व का बोध करवाया, एक प्रकल्प चलाया, नशा मुक्ति प्रकल्प दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, जिसका नाम है बोध, आत्मबोध करवाया, उस शक्ति के साथ जोड़ दिया, व्यसनों से ऊपर उठे, और आज वही युवा समाज में निकले हैं, सामान्य युवाओं को जो उन व्यसनों में अपना जीवन बिता रहे हैं उन्हें जागृत करने। सैम वर्कशॉप्स और बोध, ये एक ऐसा प्रकल्प है, ये ऐसे प्रकल्प हैं, ऐसी क्रांतियां हैं जो युवा शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को ओजस्विता की ओर लेकर जा रही हैं, जिन्होंने एक बार पुनः भारत की युवा शक्ति का आह्वान किया है, और महर्षि ने आज इन युवाओं को संस्कृति से जोड़ा है। और यही युवा क्या कहते हैं अब, जो कल तक इस संस्कृति को भूले बैठे थे, आज वो गाते हैं कि आज हम भी इस संस्कृति के लिए विवेकानंद के समान बन जाएंगे, उनकी तरह ही अपने समस्त जीवन को इस संस्कृति के उत्थान के लिए लगाएंगे। ये युवा आज समाज में उतरे हैं। जब इस पंडाल को सजाया जा रहा था, जब इस कथा का प्रचार हो रहा था, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़े हुए युवा ही थे जो चारों ओर जाकर इस समाज को जगाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने आपको संदेश दिया, उन्होंने सैकड़ों लोगों को संदेश दिया। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं जिस शक्ति से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, जिस ज्ञान से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, वही ज्ञान आज समस्त भारतवासियों को, इस समस्त मानव जाति को चाहिए, उसे उसकी मांग है वो उसको प्राप्त कर सके, इसलिए वो अपना जीवन लगा रहे हैं। और उनका संकल्प, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये मंच आप देख रहे हैं, इस मंच पे भी तो सभी युवा बैठे हैं। हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं? हम सब ने अपने प्रोफेशनल करियर्स को क्यों छोड़ा? हम सब ने दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के इस महान मिशन में यहाँ आकर अपना योगदान देने का संकल्प क्यों लिया? क्योंकि हमने जिस सत्य को पाया है, हमने जिस दिशा को पाया है, ये समाज का भटका हुआ मानव, ये समाज का भटका हुआ युवा, ये समाज का संस्कार विहीन बच्चे उस ज्ञान को प्राप्त करें, उस दिशा को प्राप्त करें, श्रेय पथ की ओर बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और हमारा ये संकल्प है जो इस भजन के माध्यम से आप अब सुनेंगे, आह्वान है समाज की युवा शक्ति का, आह्वान है इस समाज की मातृशक्ति का, आह्वान है इस समाज के एक एक इकाई का, कि आप भी उठिए, अपने संकीर्ण दायरों से ऊपर उठिए, अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। आइए सुनते हैं। के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम, संग
संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम बन जाएंगे खुद विवेकानंद संस्कृति है तू हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम बन जाएंगे खुद विवेकानंद संस्कृति हेतु हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम चंद्र आजाद भगत सिंह सभी युवा बलिदानी थे इनके जीवन राष्ट्रभक्ति की सचमुच अमिट कहानी थे धरती माँ के लिए वीरता धरती माँ के लिए वीरता इन जैसी दिखलाएंगे हम जाएंगे खुद विवेकानंद संस्कृति हेतु हम बन जाएंगे खुद विवेकानंद संस्कृति हेतु हम विवेकानंद संस्कृति हेतु हम बन जाएंगे खुद विवेकानंद संस्कृति हेतु हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर दिखलाएंगे हम बन जाएंगे खुद विवेकानंद संस्कृति हेतु हम संग वक्त के युवा वर्ग खुद बढ़कर भक्तों आप सब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवाओं में आप सब में विवेकानंद स्थित है आप सब में मीराबाई स्थित है आवश्यकता है तो केवल आपको जागने की विवेकानंद का निर्माण कैसे हुआ था रामकृष्ण परमहंस जी जब उनके जीवन में आए और उन्होंने जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर उस ईश्वर के अंतर्घट में दर्शन करवाए उनके अस्तित्व का उन्हें बोध करवाया तब स्वामी विवेकानंद ने हर विपत्ति को झेलते हुए भारत की इस संस्कृति की क्योंकि इस संस्कृति के पास ही वो ज्ञान है जिससे मानव का निर्माण होता है एक बार एक बड़े से इंस्टीट्यूट के
जो मैनेजर थे, जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने महाराज श्री को अपने पास बुलाया और अपने इंस्टीट्यूट में अलग अलग रूम्स दिखा रहे हैं। वो अलग अलग रूम्स थे जहाँ पर अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं आकर वहाँ पर यूथ उसको प्राप्त करे। महाराज श्री ने जब वो अलग अलग रूम्स देखे तो महाराज श्री ने कहा, क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जहाँ पर मानव का निर्माण हो? वो व्यक्ति स्तब्ध रह गए, क्योंकि आज इस संसार में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक मैन मेकिंग इंस्टीट्यूट हो। हम इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कुछ बना रहे हैं, हमारे बच्चों को हम बाहरी नॉलेज दे रहे हैं, उससे केवल उनकी बुद्धि का विकास हो रहा है। वो डिग्रीज तो प्राप्त कर रहे हैं परंतु उनके अंदर श्रेष्ठ गुण नहीं आ रहे। हमारे समाज को, ये समाज, इस भारतवर्ष को, इस विश्व को एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां पर मानव का निर्माण होता हो। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हर युग में जैसे वो सद्गुरु आते हैं इस धरा धाम पर और मानव को उसके आत्मस्वरूप के प्रति जागृत कर उसे मानव बनाते हैं, ठीक ऐसे ही आज दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का निर्माण कर विश्व को दिया है वो मैन मेकिंग इंस्टीट्यूट। महाराज श्री उसी अध्यात्म ज्ञान को प्रदान कर हर एक युवा के भीतर उस विवेकानंद को जागृत कर रहे हैं, हर एक युवती के भीतर उस मीराबाई को जागृत कर रहे हैं और वही उतरे हैं आज समाज में इस भारतीय संस्कृति के ओजस को बढ़ाने के लिए। प्रकाश में रत ये भारत, इसका प्रकाश आध्यात्मिक प्रकाश है, वो प्रकाश जिसे पोषित करती हैं विभूतियां अपने जीवन में, अपने अंतस्त में, और उसी अध्यात्म को प्रदान करने, उसी अध्यात्म के ओज से मानव को प्रकाशित करने के लिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से विश्व भर में उस ब्रह्म ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं ना, केवल क्षणिक मनोरंजन नहीं, परिवर्तन चाहते हैं, तो फिर बढ़िए, जानिए खुद को, प्राप्त कीजिए उस ज्ञान को, करिए वो जिज्ञासा जो विवेकानंद ने की थी, जानिए अपने अस्तित्व को, उस ईश्वर को, उस भगवती की बातों तक सीमित मत रहिए, देखने की ओर बढ़िए। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको केवल कहानी सुनाने नहीं आया है, ये मंच केवल आपको मनोरंजन प्रदान करने के लिए नहीं लगा है, हम उस ज्ञान को भी लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में विस्तृत रूप से उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे, परंतु आज जिस परिवर्तन की गाथा को, जिन सूत्रों को आपने सुना और संजोया है, उन्हें आत्मसात करने की ओर बढ़िए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। और आज के इस कथा प्रसंग को हम यहीं पर संपन्न करते हैं, माँ के श्री चरणों में एक जोरदार जयघोष अर्पित करेंगे। आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, राज राजेश्वरी ब्रह्म महिमा अंबिका भवानी की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। तो आइए आज की सभा को हम विराम की तरफ ले जाते हुए आज की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, वो कृपया आज की मंगल आरती में सम्मिलित होने के लिए कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ मेरा अनुरोध है पद्मश्री जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरत बाण जी, उनसे मेरा अनुरोध है कृपया वो आरती के लिए मंच के पास पधारें। श्री दुर्गेश चंद्र नोटियाल जी माता मंदिर रोड देहरादून से, उनसे मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान नरेश कुमार जौली जी एवं श्रीमती दीपा जौली जी, एडवोकेट महिपाल सिंह नेगी जी एवं श्रीमती निर्मला नेगी जी, श्री महिपाल सिंह धपोला जी एवं श्रीमती आभा धपोला जी, श्री युगल किशोर उनियाल जी, श्रीमती कविता उनियाल जी, श्री रंजीत सिंह रावत जी, श्रीमती सीमा रावत जी, श्री मांगे राम गुप्ता जी, श्रीमती दुर्गा गुप्ता जी, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्रीमती शीला जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्रीमती जानकी रावत जी,
श्री आकाश ठाकुर जी, श्रीमती संगीता ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्रीमती आभा रावत जी, श्री अजय डोंडियाल जी, श्रीमती पूनम डोंडियाल जी, इस कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मेरा आग्रह, कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ आज की कथा के जो दैनिक यजमान हैं, श्री तेजपाल सिंह नेगी जी, श्री सादर सिंह विष्ट जी, श्री सुरेंद्र डोवाल जी, श्रीमती निर्मला डोवाल जी, श्री रविंद्र सिंह राणा जी, श्रीमती रेखा राणा जी, श्री सत्यवीर चौधरी जी, श्रीमती उर्मिला चौधरी जी, श्री राजकुमार धीरान जी एवं श्रीमती अनुराधा धीरान जी, श्रीमती अनीता रावत जी, श्री सोहन सिंह सोहन पाल यादव जी, श्रीमती सरोज जी। इस कथा के आज के दैनिक यजमान सभी से मैं आग्रह करूँगा आरती के लिए मंच के पास पधारें। व्यथा माँ किस से कहें,
अपनी व्यथा माँ किस से कहे जय माँ जय माँ जय माँ